And all the things are going good. Hi, good morning, Simi. How are you? जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हम जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स को कवर कर रहे हैं, आज इस सेशन में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे ताकि हम फर्दर जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो है उनको फर्दर एलाबोरेट कर सकें और स्पेसिफिक जो टेक्निक्स हैं उन पर टारगेट कर सकें। टेक्निक पर टारगेट करने से पहले मैं एक बार एक शॉर्ट समरी देता हूँ, जब तक सब लोग ज्वाइन कर लेंगे तब तक मैं शॉर्ट समरी आपको दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए बीइंग ए फिजिकल थेरेपिस्ट, जब हम किसी भी जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं तो कुछ टर्म्स का हमें आइडिया होना चाहिए, कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। वो टर्म्स में इट इज़ सेल्फ मोबिलाइजेशन, जब हम खुद से पेशेंट मोबिलाइज कर दें, हम पेशेंट को जारी टेक्निक्स या कुछ ऐसे स्किल्स बता दें जिससे कि पेशेंट अपने आप को खुद से मोबिलाइज कर सकें, उसको बोलते हैं सेल्फ मोबिलाइजेशन या ऑटो मोबिलाइजेशन। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि जब भी कोई पेशेंट अपने आप को मोबिलाइज करवाते हैं, कोई मोबिलाइजेशन हम किसी पेशेंट का करते हैं, या तो हम मोबिलाइज करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे। हेलो कृतिका, गुड आफ्टरनून। या हम मोबिलाइज करेंगे पेशेंट को या फिर मैनिपुलेट करेंगे। मोबिलाइज करने का मतलब होता है कि हम उसको मूवमेंट कर रहे हैं जो कि पेशेंट कंट्रोल कर सकता है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर वो मूवमेंट हो रही है तो वो, अगर आपने मूवमेंट करी वो इतनी फास्ट नहीं होगी ताकि पेशेंट उसे इजीली मूवमेंट को अपने आप कंट्रोल कर सके। अगर वो मूवमेंट बहुत क्विक होगी तो उसे मैनिपुलेशन बोलेंगे जो कि पेशेंट खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता। हाय, गुड आफ्टरनून ध्रुविशा, गुड आफ्टरनून चंदन, गुड आफ्टरनून रश्मि, हेलो अभिनव। आप सब लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो हम अभी बेसिक समरी यू नो डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन की, कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। उसके बाद मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन यानी कि जब हम कोई मूवमेंट को बहुत फास्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। वो इतना क्विक मूवमेंट होता है, इतना हाई वेलोसिटी मूवमेंट होता है, और एम्पलीट्यूड जो होता है ना मूवमेंट का, वो बहुत कम होता है। मतलब कि मूवमेंट बहुत कम होगा इन एक्चुअलिटी, बट बहुत क्विक होगा, तो पेशेंट खुद से उसको रोक नहीं सकता। इससे पहले पेशेंट सोचेगा कि मैं रोकता हूँ, इतना आप अपना मूवमेंट करके मोबिलाइज कर चुके होगे, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन करने के बाद फिर हमने बात की थी कि जॉइंट सरफेसेस कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास कॉनकेव सरफेस होता है, कॉन्वेक्स सरफेस होता है। कॉनकेव मतलब केव शेप का सरफेस, कॉन्वेक्स मतलब जो कर्व्ड सरफेस हो, आउटवर्ड्स कर्व्ड हो, दैट इज कॉन्वेक्स। तो ये जॉइंट सरफेस जो होते हैं इसकी वजह से दो टाइप के जॉइंट बनते हैं, एक जॉइंट होता है ओवॉइड जॉइंट, एक जॉइंट होता है सेलार जॉइंट। ओवॉइड जॉइंट यानी कि जिसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट, जैसे कि आपका हिप जॉइंट, इनमें क्या होता है एक कॉन्वेक्स जॉइंट एक कॉनकेव जॉइंट के साथ अटैच्ड होता है, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ओवॉइड जॉइंट। जैसे कि जब आप शोल्डर का ग्लेनोइड लैब्रम कॉनकेव है और आपका ह्यूमरल हेड जो है वो कॉन्वेक्स है, वो एक दूसरे में अटैच्ड है, फिट है, एक दूसरे में आर्टिकुलेटेड है, उसे हम बोलते हैं ओवॉइड सर्फेस या ओवॉइड जॉइंट। ऐसे अब दूसरा होता है सेलार जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हॉर्स बैक का, जब हम किसी हॉर्स के ऊपर बैठते हैं तो उसके ऊपर जो एक सरफेस रखा होता है जिसके ऊपर हमारा बॉडी अलाइन हो जाती है प्रॉपरली, दो कॉनकेव सरफेस होते हैं, बीच में कॉन्वेक्स सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं सैडल या सेलार जॉइंट। अब इसके बाद होता है कि कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब कि कुछ टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, या तो कोई जॉइंट स्पिन करेगा या कोई जॉइंट रोल करेगा या कोई जॉइंट ग्लाइड करेगा, ठीक है, ग्लाइड या स्लाइड। जब स्लाइड कि अगर हम बात करें, स्लाइड मतलब जैसे कि छोटे बच्चे स्लाइड पे यू नो पार्क में जाते हैं, स्लाइड पे झूला झूलते हैं ना, तो झूला झूलते हैं तो स्लाइड पे जब वो स्लिप होके नीचे जाते हैं उसे बोलते हैं स्लाइड। तो कोई भी अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लिप होता है, आराम से नीचे जा रहा है, जब उसके जितने पॉइंट्स हैं वो दूसरे सर्फेस के साथ पूरे अटैच्ड होके पूरे टाइम टच हो रहे हैं, दैट इज़ वॉट वी कॉल स्लाइड। इसी में अगर हम बात करते हैं रोल, जो दूसरे टाइप का मूवमेंट है उसे रोल बोलते हैं। रोल जो होता है जब कोई भी मान लो एक बॉल है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे बॉल जो है ऐसे करके मूव कर रही है गोल गोल गोल, जब इस बॉल के ऊपर ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ओके, तो ये 5 पॉइंट बॉल जो है ये मूव कर रही है फ्लैट सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं रोलिंग, कि हर बार एक नया पॉइंट नीचे वाले सरफेस से आके अटैच हो रहा है, इसे रोल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है उसे बोलते हैं स्पिन। स्पिन यानी कि एक पॉइंट एक सरफेस दूसरे सरफेस पे बस एक ही जगह गोल घूमे जा रहा है, रोटेशन मोशन जो होता है, रोटेटरी मोशन जो होता है उसको हम स्पिन बोलते हैं।
फिर हमने बात करी थी कि रोल, स्पिन और स्लाइड का बॉडी में अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या क्या एग्जांपल है बॉडी में। तो अगर हम बॉडी में बात करते हैं कि रोल, स्पिन और स्लाइड कैसे कैसे होता है, तो अगर मान लो आपका ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर का आर्टिकुलेशन है ग्लेनोइड लैब्रम और ह्यूमरल हेड। अब ये जब एबडक्शन कर रहे हैं हम, तो ये जो हेड जो अब घूमता हुआ आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्लाइड। अब ये जो हेड ऊपर की तरफ गया इसको हम बोलते हैं रोल। सो इसकी रोल क्या हुआ, सुपीरियरली रोल हुआ, और स्लाइड कहाँ हुआ, इन्फीरियरली स्लाइड हुआ। यहीं अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात होती कि ये ऐसे हाथ आगे जा रहा है, मतलब फ्लेक्स ऐसे कर रहे हैं आप शोल्डर को, तो क्या होता, ये ऐसे करके फ्लेक्शन जाता। जब फ्लेक्शन जाता तो ये एक ही जगह पे सरफेस ऐसे गोल घूमता, इसको हम बोलते हैं स्पिन। तो एक रोटेटरी मोशन हुआ, या फिर आपका फोरआर्म में, यानी कि आपका रेडियल नर्व जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। तो जब आप प्रोनेशन सुपिनेशन कर रहे हो रेडियो अल्नर जॉइंट पे, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है, उस पर जब प्रोनेशन सुपिनेशन कर रहे हो तो ये क्या है, रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है। एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस है, ठीक है, या वर्टिकल एक्सेस, अगर सीधे खड़े होकर आप बात करें वर्टिकल एक्सेस है, उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है। अब जब ये रोटेटरी मूवमेंट हो गया, ये स्पिन हो गया, रोल हो गया, ग्लाइड हो गया, क्या होते हैं सब, ये होते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। आर्थ्रो मतलब जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं उन सबको हम बोलते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। इसी तरह दूसरी मूवमेंट थी ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, यानी कि एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होते हैं। तो ये दोनों टाइप की मूवमेंट हो गई, काइनेमेटिक्स यानी कि ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अब इसके अलावा दो चीज़ें और हमने पढ़ी थी, होता डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन। जब दो जॉइंट सर्फेसेज दूर चले जाएंगे दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, जब दो जॉइंट सर्फेसेज पास में आ जाएंगे उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा तो स्टेबिलिटी बेटर होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, पर जॉइंट सरफेस को दूर ले जाके हम उसके अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स जो हैं, पेन, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन, उसको बेटर करेंगे, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, उसका हम बोल रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन, ये दो टर्म्स थी, वन इज डिस्ट्रैक्शन एंड अदर इज ट्रैक्शन। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, अगर आप नॉर्मल सीधे खड़े हैं, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, देखिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मान लीजिए एक बार यहाँ पे आएंगे, देखिए अब अगर मैंने शोल्डर को नीचे पुल किया ऐसे करके सीधा, यहाँ से स्टेबिलाइज करा मैंने शोल्डर को, यहाँ से सीधा नीचे पुल कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रैक्शन। तो उस बोन की लॉन्ग एक्सिस को हमने ऐसे करके पुल कर दिया नॉर्मल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रैक्शन। पर अगर इसी शोल्डर को मैं यहाँ से प्रॉपरली स्टेबिलाइज करूँ, यहाँ से होल्ड करूँ एंड देन आउटवर्ड्स इस तरफ 90 डिग्री टू द जॉइंट सरफेस अगर पुल करता हूँ ग्लेनोइड लैब्रम के, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट मतलब टू मूव एट 90 डिग्री टू द जॉइंट सरफेस, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स ये जॉइंट सरफेस है, यहाँ से 90 डिग्री बाहर पुल करना, और ट्रैक्शन मीन्स ये जॉइंट सरफेस है, यहाँ ऐसे नीचे की तरफ लॉन्ग एक्सिस में पुल करना। तो अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, जब वो 90 डिग्री करके हम पुल कर रहे हैं इसको, 90 डिग्री का पुल आ रहा है, उसमें क्या होगा कि जॉइंट सरफेस आपस में रब नहीं कर रहे हैं, ईजी बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, या आसपास जो पूरा कैप्सूल होगा उसके ऊपर एक पुल आएगा, एक स्ट्रेच आएगा। बट जब हम दे रहे हैं ट्रैक्शन, ये देखो ये ट्रैक्शन है, क्या हो रहा है, जॉइंट का जो नीचे वाला सर्फेस है वो नीचे रब कर रहा है अगेंस्ट दी बोन, अगेंस्ट दी ग्लेनोइड लैब्रम, या फिर जिस भी बोनी सेगमेंट की आप बात कर रहे हो वहाँ पे वो रब करेगा, तो आपका मूवमेंट लिमिटेशन आएगा, पेन आएगा। तो इस करके आपने डिस्ट्रैक्शन देना है, ट्रैक्शन नहीं देना, ठीक है। और ऑन दी अदर वे राउंड आप ये कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन जो है एक टाइप का ट्रैक्शन है, ठीक है, पर ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन इज ट्रैक्शन, बस ट्रैक्शन इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। हमने पुराना पूरा कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जॉइंट मोबिलाइजेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे वो वर्क करता है। तो वो सब टेक्निक्स टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। अब जॉइंट मोबिलाइजेशन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस साइड मूव करना है। बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है। अगर आपको ये पता है कि जॉइंट को मूव किस साइड करना है तो आपका जॉइंट मोबिलाइजेशन कंप्लीट। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आपके जॉइंट की फंक्शनल एनाटॉमी,
दूसरा कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, फिनिश। फंक्शनल एनाटॉमी यानी कि जब आप, अगर मैं आपको पूछता हूँ ये आपका एल्बो जॉइंट है, इसमें ये बता दो कि कॉनकेव सरफेस कौन सा है और कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है, ठीक है। या फिर और इजी करते हैं कि यूमरो अल्नर जॉइंट जो है उसमें कॉनकेव सरफेस कौन सा है और कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप एल्बो को मूव कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव सरफेस किस साइड है, कॉन्वेक्स किस साइड है। अब वो सरफेस का आपको अगर आइडिया है तो हम उसमें डायरेक्टली एक रूल होता है, उसे बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, उसे अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आपके जॉइंट को मोबिलाइज कर देंगे। थैंक्स एंड ऑल। सो अब कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या होता है ये हमें पता करना ज़रूरी है। मान लीजिए दो जॉइंट सरफेसेस हैं, एक तो कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, एक दूसरे में अटैच्ड है। कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल ये बोलता है कि जब भी कोई कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव सरफेस का जो अटैच्ड है, अगर वो कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा तो जो रोल एंड स्लाइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहले एक बार सिंपल सुन के समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको इलैबोरेट करूँगा। यानी कि जब एक कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस अटैच्ड है तो ऑब्वियसली उसमें आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स तो होगा, मतलब कि जॉइंट के अंदर मूवमेंट तो होगा, मतलब कि रोल स्पिन ग्लाइड तो होगा। जब ये तीनों मूवमेंट होंगे तो वो कैसे होंगे, रोल और स्लाइड एक साथ होगा। जब रोल एंड स्लाइड एक साथ होगा, या तो आपका ये ऊपर वाला जो कॉन्केव सरफेस है ये मूव करेगा, या आपका जो नीचे वाला कॉन्वेक्स सरफेस है ये मूव करेगा। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस रूल जो है वो ये बोलता है कि जब आपका कॉन्केव सरफेस मूव कर रहा है तो अलग टाइप के मूवमेंट होंगे, जो रोल एंड स्लाइड है उसकी मूवमेंट अलग होगी, जब आपका कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा तो रोल एंड स्लाइड अलग होगी। तो इसने बोला कि जब आपका कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रहा है, जैसे कि आपका शोल्डर का एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका ग्लेनोइड लैब्रम है, ये आपका ह्यूमरल हेड है अटैच्ड है ऐसे करके, अब जब आपने अबडक्शन किया तो आपका कॉन्वेक्स ह्यूमरल हेड कॉनकेव ग्लेनोइड लैब्रम के अंदर ऐसे करके ग्लेनोइड कैविटी के अंदर ऐसे मूव कर रहा है। तो इसने बोला कि आपका रोल और स्लाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि जब आपका एबडक्शन हो रहा है, ये देखो एबडक्शन हो रहा है, एबडक्शन होते हुए क्या हो रहा है कि अब देखो ये मेरा रोल तो हो रहा है सुपीरियरली, बोन जो है ऐसे घूम रही है ऊपर की साइड, ठीक है, और जो स्लाइड हो रहा है जैसे जैसे बोन घूम रही है ये नीचे भी जाता जा रहा है, ये जो हेड है ये नीचे स्लाइड भी कर रहा है साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा तो कॉन्वेक्स सरफेस जो है रोल करेगा एक साइड और स्लाइड करेगा ऑपोजिट साइड, तो रोल सुपीरियरली स्लाइड इन्फीरियरली, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि कोई कॉनकेव सरफेस मूव करेगा, हाँ जी चंदन मैं अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जस्ट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद दोबारा से ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अब दूसरा आ जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव सरफेस के मूवमेंट की, आप समझ लो कि आपका एल्बो जॉइंट है, ये आपका अल्ना है, ठीक है, ये आपका क्या है ह्यूमरस का डिस्टल कॉम्पोनेंट, कॉन्डाइल्स एपिकॉन्डाइल्स वो इसमें अटैच्ड है, तो यूमेरो अल्नर जॉइंट है ये वाला, यूमेरस अल्ना, अल्ना क्या है कॉन्केव सरफेस है ऐसे करके नीचे, और यूमेरस क्या है ऊपर ऐसे करके इसके कॉन्वेक्स सरफेस है। अब जब आपकी एल्बो फ्लेक्स या एक्सटेंड होती है तो आपका यूमेरस तो मूव नहीं कर रहा, आपका तो अल्ना और रेडियस मूव कर रहे हैं। तो जब अल्ना मूव कर रही है, अल्ना क्या है कॉन्केव सरफेस है, आपका यूमेरस का डिस्टल या नीचे वाला एंड क्या है कॉन्वेक्स सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे में अटैच्ड है। जब आपकी एल्बो फ्लेक्स हो रही है तो आपकी ह्यूमरस तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो कॉनकेव सरफेस है अल्ना का वो ऐसे करके मूव होगा। हाय गुड आफ्टरनून धारा। सो आपका जो अल्ना का कॉनकेव सरफेस है वो फ्लेक्शन के टाइम पे साथ में ऊपर मूव हो जाएगा, ये कॉनकेव सरफेस है इसके ऊपर ऐसे करके ह्यूमरस का सरफेस रखा हुआ, अब जब फ्लेक्शन हुआ तो ये आपका कॉनकेव सरफेस अल्ना का ऊपर मूव कर गया। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के हिसाब से कॉनकेव सरफेस जब मूव करेगा ना तो उसका स्लाइड और रोल एक ही साइड होगा। ये देखो अब मैं ये मूवमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, ये अब ये जब मूवमेंट हो रहा है तो जिस साइड स्लाइड हो रहा है उसी साइड रोल हो रहा है। देखो रोल भी ऊपर जा रहा है सुपीरियर रोल और स्लाइड सुपीरियर, ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स सरफेस के केस में क्या हो रहा था, जब कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रहा था तो रोल तो ऊपर हो रहा था सुपीरियरली हो रहा था और स्लाइड इन्फीरियरली हो रहा था।
अब ये टर्म आप क्लियर रखना कि सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कॉडल, रोस्ट्रल, ठीक है, ये टर्म्स, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है, ये चार टर्म्स आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। सुपीरियर को हम रोस्ट्रल या क्रेनियल भी बोलते हैं, क्योंकि हेड की साइड, हेड को क्रेनियम बोलते हैं ना, क्रेनियम, तो क्रेनियम से रिलेटेड क्रेनियल मूवमेंट, जब भी कोई सरफेस ऊपर मूव करेगा, सुपीरियरली स्लाइड करेगा या रोल करेगा, ये देखो सुपीरियर रोल हो रहा है, ये सुपीरियर स्लाइड हो रहा है, जब ये सुपीरियर स्लाइड या सुपीरियर रोल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल या रोस्ट्रल। और अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है, मान लो ये रिस्ट है, मैं इसको इन्फीरियरली, ये इन्फीरियर नीचे की तरफ भेज रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर या फिर कॉडल, कॉडल मतलब नीचे, ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे, हाय प्रकाश गुड आफ्टरनून, एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे, आगे एंड पीछे, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके बाद सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये चार मूवमेंट हो गई, आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद आप जब भी कोई स्लाइड को नाम दोगे कि मैं अगर किसी चीज़ को स्लाइड कर रहा हूँ तो वो किस साइड स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप हमेशा एनाटॉमिकल मूवमेंट की बात करोगे। एनाटॉमिकल मूवमेंट का मतलब होता है कि जब आप सीधे खड़े हो विद योर फोरआर्म लाइक दिस, सो ऐसे करके मैं आपको समझाता हूँ, यू आर स्टैंडिंग विद योर फोरआर्म फेसिंग टू द फ्रंट, ओके, ऐसे करके, ठीक है, मैं सीधा खड़ा हूँ ऐसे करके, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो हाथ है सामने की तरफ है, क्योंकि जब हम हमारी बॉडी बनती है ना, जब हमारी बॉडी डेवलप होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में होती है, तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं, फिर जैसे जैसे हमारे जो लिम्स हैं वो ग्रो करते हैं, होता है ये ऐसे घूम जाते हैं, तो हम पूरा दिन ऐसे चलते हैं ना, हाथ सामने की तरफ, ये सन फेसिंग साइड होती है, पर जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो ऐसे होती है, तो इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ योर बॉडी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आपकी बॉडी रहेगी, जब आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी होगी, उसके रेस्पेक्ट में आप बोलोगे कि मैं एंटीरियर ग्लाइड दे रहा हूँ, पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहा हूँ, या कौन सी ग्लाइड दे रहा हूँ। तो एक बार और कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, कॉनकेव सरफेस, हाय श्रुति गुड आफ्टरनून। तो जब भी आप कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल की बात करते हो, तो जब भी कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा कॉनकेव सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो जिस साइड रोल होगा उसके ऑपोजिट साइड स्लाइड होगा, ठीक है। और अगर कॉनकेव सरफेस मूव करेगा, केव सरफेस, कॉनकेव, राइट, जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगा तो जिस साइड रोल होगा उसके साथ साथ ही स्लाइड सेम डायरेक्शन में होगा, ओके। अब इसके साथ बात आती है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एक्स, कॉन्वेक्स मींस एक्स, एक्स मींस ऑपोजिट, ये याद रखने का तरीका है, बहुत ईजी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, अगर आप पूरी बात को ऐसे करके याद रखोगे, याद रखना चाहिए, मतलब मैंने तो याद रखा था, बट फिर भी एक शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि अगर आपको याद नहीं भी हो रहा तो भी एक बेसिक आइडिया हो जाए। उसके लिए क्या है कि कॉन्वेक्स इज एक्स, एक्स मतलब ऑपोजिट, तो जब रोल सुपीरियरली हो रहा है तो ग्लाइड इन्फीरियरली करवा दो, जब रोल एंटीरियरली हो रहा है तो ग्लाइड पोस्टीरियरली करवा दो, रोल इन्फीरियरली हो रहा है तो स्लाइड सुपीरियरली करवा दो, रोल एंड स्लाइड ऑपोजिट हो जाएंगे कॉन्वेक्स के केस में, एक्स कॉन्वेक्स, राइट। एंड अगर कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव तो कॉनकेव मतलब केव, गुफा, गुफा के अंदर तो सब लोग साथ ही जाएंगे, जब साथ जाएंगे तो फिर रोल एंड स्लाइड एक साथ जाएगा, तो रोल एंड स्लाइड साथ साथ तब होगा जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगा, और जब कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा तो रोल एंड स्लाइड ऑपोजिट होगा। अब हमें समझना है कि अगर रोल एंड स्लाइड ऑपोजिट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर रोल के साथ स्लाइड नहीं हुआ, हम कह रहे हैं रोल होता है तो स्लाइड होना ही होना है, वो नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम, यही वो प्रॉब्लम जो आपके पेशेंट फेस करेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब रोल एंड स्लाइड साथ में नहीं होगा तो क्या होगा। ये देखो, अगेन आपका शोल्डर का ग्लेनॉइड कैविटी, आपका ह्यूमरल हेड एक दूसरे में अटैच्ड है, अब आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू नहीं है, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट 180 डिग्रीज लेके जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग परफेक्ट, ठीक है। इस पेशेंट को, इस इंडिविजुअल को, नॉट पेशेंट, पेशेंट, अच्छा एक चीज़ और मैं इस बात को बोलने से पहले बताता हूँ, कभी भी आप पेशेंट मत बोलो, ठीक है, आप बोलो एन इंडिविजुअल विद जॉइंट लिमिटेशन, एन इंडिविजुअल विद रेंज ऑफ मोशन डिसेक्शन, एन इंडिविजुअल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। पेशेंट टर्म इज़ वेरी, यू नो, साइकोलॉजिकली इट हैम्पर्स अलॉट, तो आप हमेशा बोलो एन इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन, ठीक है, ये चीज़ है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये आपका ग्लेनोइड कैविटी है, ये आपका ह्यूमरस का हेड है, ये कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव है, ग्लेनोइड कैविटी एक दूसरे के अंदर अटैच्ड है, एबडक्शन हो रहा है, जब एबडक्शन हो रहा है तो आपका रोल सुपीरियरली हो रहा है, स्लाइड इन्फीरियरली हो रहा है। ये देखो ये स्लाइड कर रहा है ना, ऐसे करके नीचे खिसकता जा रहा है, इसे बोलते हैं स्लाइड। अब जब रोल सुपीरियर स्लाइड इन्फीरियरली हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ना हो तो क्या होगा, ये देखो अब हम करवा रहे हैं एक मूवमेंट जिसमें कि रोल तो हो रहा है सुपीरियरली पर स्लाइड नहीं हो रहा, तो क्या ये कुछ हो रहा है, मूवमेंट हो पा रही है? तो ये वो पेशेंट होंगे जो आपके पास आएंगे कि जी मेरा शोल्डर तो इस पॉइंट से ऊपर जाता ही नहीं है। आप उनका शोल्डर असेस करोगे, ऑल दो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर उसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये देखो स्लाइड ही नहीं हो रहा, इस पॉइंट के बाद जाके उसका कैप्सूल जो है उस इंडिविजुअल का, उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि इससे ऊपर जा पाए, तो ये यहीं स्टक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि एबडक्शन करवाते टाइम आपका जो शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करवाने के लिए, ऐसे पूरा जाने के लिए इसका स्लाइड होना बहुत ज़रूरी है। हाय रेनू, गुड आफ्टरनून। तो आपका शोल्डर का एबडक्शन करवाने के लिए रेंज ऑफ मोशन ये नीचे स्लाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि अगर ये लिमिटेशन आ रहा है मतलब स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करो, आप उसको इन्फीरियर स्लाइड प्रोवाइड करो, फिजियोथेरेप्यूटिक स्लाइड, जिससे कि ये रेंज ऑफ मोशन पूरा हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कोई पेशेंट, कोई ऐसे इंडिविजुअल जिनका मान लो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर हुआ एल्बो में, अब फ्रैक्चर तो हो गया, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, 21 डेज तक कास्ट रखते हैं जनरली, के वायर फिक्सेशन हुआ, 21 डेज तक कास्ट के अंदर रखा, पीओपी कास्ट, प्लास्टर लगा के रखा, अब वो इंडिविजुअल आपके पास आ रहे हैं, उनका शो उनकी एल्बो जो है 1 मंथ से उस कास्ट के अंदर थी ऐसे, अब 90 डिग्री फ्लेक्शन ना तो इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे जा रहा है, क्यों? उनका कैप्सूल टाइट हो गया एक महीने में, इमोबिलाइजेशन होता है ना, आपने इमोबिलाइज कर दिया एक महीने के लिए, अब एक महीने के इमोबिलाइजेशन के साथ क्या हुआ, उनका जो कैप्सूल है वो टाइट हो गया, उनके लिगामेंट्स टाइटन अप हो गए, अडहेर्ड हो गए, उनके मसल्स टाइट शॉर्टनिंग हो गई। तो जब एक महीने तक कोई भी जॉइंट स्ट्रक्चर इमोबिलाइज रहता है तो बायोमैकेनिक्स कहती है सिंपल के उस जॉइंट सरफेस पे यू विल फाइंड के रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन आ गया, बिकॉज ऑफ कि जितने पैसिव स्ट्रक्चर्स और एक्टिव स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हैं जो वहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस करवाते थे वो सब जो है वहाँ पे स्टक हो गए, अडहेर्ड हो गए। तो अब हमने क्या करना है, हियर कम्स आर रोल एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट के हमने उस इंडिविजुअल के उस रेंज ऑफ मोशन को कम्प्लीट करना है। अब उसके लिए हमें पता है कि मसल टाइट है, ऑब्वियसली मसल को तो स्ट्रेचिंग करके रिलैक्स करोगे आप, उसके भी हम सेशंस लेंगे अभी जॉइंट मोबिलाइजेशन के बाद, तो देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अब कैप्सूल और लिगामेंट की जो हमने बात करी, कैप्सूल और लिगामेंट कहाँ अटैच होते हैं, बोन के ऊपर। अब जब बोन के ऊपर कैप्सूल अटैच होता है तो हमें पता है कि हमें तो बोन को मोबिलाइज करना पड़ेगा। अब जब बोन के ऊपर अटैच है तो बोन की रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिट हो रही है, मतलब ग्लाइड, रोल, स्लाइड, स्पिन, इन सब में प्रॉब्लम आ रही होगी। अब जब इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमने क्या करना होगा, उसको ठीक करना होगा। मान लो अब इस पेशेंट का 90 डिग्री से बियॉन्ड फ्लेक्शन नहीं जा रहा है, आपने पूरा प्रॉपर असेसमेंट किया। अच्छा, असेसमेंट कैसे करते हैं उसका मैं प्रॉपर आपको एक सेशन दूंगा कि असेस कैसे करना है पेशेंट को। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट अलग होता है, स्पोर्ट्स असेसमेंट अलग होता है, ऑर्थो असेसमेंट अलग होता है, कार्डियो असेसमेंट अलग होता है, बट एक चीज़ कॉमन रहती है जो सब में होती है, वो होता है बेसिक असेसमेंट, जो आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपके टिप्स पे होना चाहिए वो। ठीक है, तो अब आपके पास वो पेशेंट है जिसका एल्बो कंप्लीट बेंड नहीं हो रहा, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर है, आपने पूरा असेस किया, आपने देखा कि ठीक है इनका जो स्लाइड कॉम्पोनेंट है उसमें लिमिटेशन है। अब आपको पता है कि एल्बो जो है वो कैसे बनता है, ऊपर तो ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड है वो तो कॉन्वेक्स होता है, और अल्ना का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव सरफेस जो है कॉन्वेक्स में अटैच्ड होता है, जब फ्लेक्शन होता है तो ये ऐसे करके ऊपर की साइड स्लाइड होती है, ऊपर की साइड रोल होता है। अब जब फ्लेक्शन हो रहा है तो ना तो स्लाइड हो रही ना रोल हो रहा, इससे बियॉन्ड ना तो रोल जा रहा है ना स्लाइड जा रही है। अब आपको क्या करवाना है, आपको उस स्लाइड को भी वापस रिक्यूपरेट करना है, वापस लेके आपको उस रोल को भी लेके आना है। अब आपको पता है जब फ्लेक्शन करते हैं तो रोल और स्लाइड सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल बोलता है कि जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगा तो आपका रोल एंड स्लाइड सेम डायरेक्शन में होंगी, राइट? अब जब सेम डायरेक्शन में रोल एंड स्लाइड होंगी तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको जो स्लाइड करना है उसके किसको, अल्ना को,
अलना को आप स्लाइड करोगे, अलना को रोल करोगे, तो वो सेम डायरेक्शन में आप स्कूपिंग करके लेके जाओगे। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सतीश इज आस्किंग हाउ टू अप्लाई इन्फीरियर ग्लाइड प्रैक्टिकली सर। हाँ जी सतीश, इस सेशन के बाद ना मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हर एक जॉइंट पे करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपने पर्टिकुलर ग्लाइड रोल स्लाइड देना है ताकि आपके पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन नॉर्मलाइज हो सके। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि जॉइंट सरफेस अगर कॉनकेव है तो आपको पता चल गया कि 90 डिग्री बियॉन्ड नहीं जा रहा, आपको फ्लेक्शन बेटर करना है। फ्लेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो अलना है वो फ्लेक्स होती है, फ्लेक्स होती है तो क्या होता है उसका जो कॉनकेव सरफेस है वो एंटीरियरली ही रोल करता है, एंटीरियरली स्लाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना रोल और स्लाइड जो उसको प्रोवाइड करेंगे वो एंटीरियरली प्रोवाइड करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कैसे कैसे करेंगे। अब इसके बाद बात आ जाती है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नी का, नी जॉइंट। नी में क्या होता है, जब आप बैठे हो, आपका नी आपने बेंड किया, अपने नी को देखो एक बार, विजुअलाइज करो। नी में दो सर्फेस हैं, कैसे बना नी जॉइंट, ऊपर तो फीमर का डिस्टल एंड है, जैसे आपका एल्बो होता है ऐसे ही नी है, ऊपर तो फीमर का डिस्टल एंड है, नीचे टिबिया का प्रॉक्सिमल प्लेटू है, टिबिया के प्लेटू के ऊपर जो फीमर का डिस्टल एंड है वो अटैच्ड है। जब ये दोनों सर्फेसेस आपस में अटैच्ड हैं तो अब मूवमेंट किस पे होता है, जब भी आप अपने नी को फ्लेक्स या एक्सटेंड करते हो कौन मूव करता है, प्लीज टेल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जब आपका टिबिया और फीमर एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहा है, ओपन काइनेटिक चेन मूवमेंट है, तो कौन मूव कर रहा है, इज इट योर टिबिया दैट इज मूविंग और इज इट योर फीमर दैट इज मूविंग। जब आपका नी फ्लेक्स या एक्सटेंड हो रहा है कौन मूव करता है, टिबिया या फीमर। इतना आप लोग आंसर्स देते हैं, मैं एक से पानी पी लेता हूं, बहुत प्यास लग रही है, यू नो। मित्तल प्रजापति सिंह टिबिया, वेरी गुड, एंड हु एल्स, गुड गुड गुड। सतीश, ध्रुविशा, टिबिया, टिबिया, वेरी गुड, परफेक्ट, सो दैट मींस यू पीपल आर वेरी मच क्लियर। चंदन टिबिया, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड। तो यू पीपल आर वेरी मच क्लियर के ठीक है, जब आपका नी फ्लेक्स एक्सटेंड कर रहा है। श्रुति सिंह टिबिया, प्रिया सिंह बोथ, या प्रिया बादवाजी सिंह बोथ। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि कौन मूव करता है, रेनु सिंह टिबिया, अब देखो मिक्स रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सम पीपल आर सेइंग टिबिया, सम पीपल आर सेइंग बोथ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फीमर एज वेल, कि वो भी शायद रिप्लाई आता। तो देखो क्या होता है कि हमारी मूवमेंट्स ना दो टाइप की होती हैं। अब या तो मैं अपनी एल्बो को फ्लेक्स कर रहा हूँ या एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, नी की जगह मैं एल्बो का एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, फिर नी पे वापस आएंगे। मैं एल्बो को फ्लेक्स कर रहा हूँ या एक्सटेंड कर रहा हूँ, अभी देखो मैंने अपने ह्यूमरस को ऐसे करके पकड़ लिया, मेरी एल्बो फ्लेक्स हो रही है, मेरी एल्बो एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो मैंने, अब मेरी अलना या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मेरी ह्यूमरस फिक्स्ड है। बट अगर मैंने अपने इस टेबल पे करना हो पुशअप्स लाइक दिस, राइट, अब क्या हो रहा है, जब मैं अपने टेबल पे पुशअप्स कर रहा हूं उस टाइम पे देखो, दिस मेरा ह्यूमरस भी मूव कर रहा है, मेरा रेडियस अलना भी मूव कर रहा है। जब मेरा ह्यूमरस, रेडियस, अलना सब कुछ मूव कर रहा है, दैट मींस कि अब दोनों मूव कर रहे हैं, तो एक तरह से मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो प्रिया आंसर्ड वेरी परफेक्टली के बोथ, एंड आप सबका आंसर भी ठीक था, बिकॉज मैंने क्वेश्चन ही इस हिसाब से पूछा था कि कौन सा मूव करता है, तो सारे आंसर्स करेक्ट है। ये कौन सी बोन मूव करती है वो डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप की मूवमेंट है। जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर मैं सिर्फ डिस्टल बोन को मूव कर रहा हूं तो इसे बोलते हैं ओपन काइनेटिक चेन मूवमेंट, जिसमें डिस्टल एंड जो है ना बोन का, डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो है वो फ्री टू मूव है। तो उसमें तो आपका करेगा टिबिया मूव। जब नी की बात करेंगे, नी के फ्लेक्शन या एक्सटेंशन की, तो आपका टिबिया मूव करेगा जब आपका डिस्टल एंड मूव करेगा। पर अगर हम बात करते, जैसे मैंने पुशअप्स किए टेबल पे, पुशअप्स करते टाइम मेरा हैंड जो थे वहां दोनों फिक्स थे, फिक्स
थे तो क्या हुआ, मेरा शोल्डर मूव करेगा। अब मेरे हाथ ऊपर नहीं आ सकते, पर मेरा बॉडी तो नीचे जा सकती है ना। जब बॉडी नीचे जा सकती है तो क्या होगा, मेरा फीम यहाँ पे शोल्डर में ह्यूमरस और यहाँ पे अल्ना और रेडियस भी मूव करेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों मूव करेंगे तो क्या होगा कि दोनों पे बोथ सर्फेसिस, ठीक है। ऐसे नी की अगर बात करते हैं, हाँ जी चंदन, यहाँ पे दोनों वर्क करेंगे क्योंकि पुशअप्स है ना। ऐसे अगर हम नी की बात करते हैं, नी में क्या होगा, अगर हम कर रहे हैं ओपन काइनेटिक चेन मूवमेंट यानी कि डिस्टल एंड मूव कर रहा है तो टीबिया मूव करेगा, पर अगर हम कर रहे हैं स्क्वाट्स, अगर हम कर रहे हैं लंजेस, स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक, ठीक है। जब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, फॉरवर्ड लंज, बैकवर्ड लंज, साइडवर्ड लंज, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या वर्क करेगा, उसमें वर्क करेगा आपका दोनों बोन्स भाई, आपका हिप जॉइंट फ्लेक्स होगा, नी फ्लेक्स होगा, एंकल का डोर्सीफ्लेक्शन होगा, आप नीचे बैठोगे फिर ऊपर उठोगे, तो उस पोजीशन में आपके फीमर टीबिया दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्लोज काइनेटिक चेन मूवमेंट। काइनेटिक चेन मतलब जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ का आपस में इंटरकनेक्शन है, ये पूरी चेन फॉर्मेशन हो रही है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के मूवमेंट से कनेक्टेड है। अगर डिस्टल एंड फ्री है तो ओपन काइनेटिक चेन, डिस्टल एंड फिक्स्ड है तो क्लोज काइनेटिक चेन। सो क्लोज काइनेटिक चेन मूवमेंट के अगर आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम या थ्योरेटिकल एग्जाम में आपसे पूछते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज काइनेटिक चेन मूवमेंट्स, तो आपने बोलना कि क्लोज काइनेटिक चेन मूवमेंट में तो सर टीबिया स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, इस टाइप की एक्टिविटीज आती हैं, या पुलअप्स, पुलअप्स है ना, चिन अप बार्स, पुल अप बार्स, अच्छा। और दूसरा है ओपन काइनेटिक चेन। तो ओपन काइनेटिक चेन में आप फ्री होके बोल सकते हो, जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं ना वो सब ओपन काइनेटिक चेन में आते हैं। फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, जिसमें भी डिस्टल एक्सट्रीमिटी मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड ओपन काइनेटिक चेन मूवमेंट। सो क्लोज काइनेटिक चेन, ओपन काइनेटिक चेन, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम, बहुत आगे चले गए ना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि नी जॉइंट्स का सरफेस है, लास्ट एग्जांपल था वो कि ये कॉनकेव है, ऊपर फीमर कॉन्वेक्स है, एक दूसरे में अटैच्ड है। अब नी का आपने फ्लेक्शन करवाना है, नी का जब फ्लेक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका नी बेंड होगी। तो ये जो ऊपर फीमर रखा हुआ है यहाँ पे, ये नी ऐसे अटैच्ड है ना, अभी बिल्कुल 0 डिग्री एक्सटेंशन में है, अब ये फ्लेक्स हो रही है, धीरे धीरे ऐसे जा रही है, रोल भी पीछे हो रहा है, स्लाइड भी पीछे हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव सरफेस मूव कर रहा है। जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगा तो गुफा, गुफा में सब लोग साथ जाएंगे तो रोल स्लाइड एक साथ होगा, तो दोनों पोस्टीरियरली रोल पोस्टीरियर स्लाइड होगा, और अगर एक्सटेंशन में जा रहे हैं तो एंटीरियर रोल एंटीरियर स्लाइड, ठीक है। इसी वजह से आप, अच्छा इसका यूज़ कब करोगे, मान लो आपके पास कोई पेशेंट आए, कोई इंडिविजुअल आए जिनका नी का फ्रैक्चर हुआ था, नी में ACL इंजरी हुई, किसी भी टाइप की कोई भी इंजरी हुई नी में, जिसकी वजह से उनका कैप्सूल लिगामेंट्स टाइट हुए, जिसकी वजह से उनका नी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सटेंशन का रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर जो भी दे सकते हैं प्लीज़ दें, कि अगर किसी इंडिविजुअल के नी में एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो हाउ टू फ्लिप द कैमरा, ये देखो ये नी है, अब इसको एक्सटेंड करना है लाइक दिस। अब अगर ये एक्सटेंड ऊपर नहीं जा पा रहा तो आप क्या करोगे, इस इंडिविजुअल के लिए आप क्या कर सकते हो, जिस इंडिविजुअल में आपको नी जॉइंट का एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब कि नी जॉइंट, अच्छा मैं बता देता हूँ, नी जॉइंट का जो टीबिया का प्लेट हुआ कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, और एक्सटेंशन के टाइम पे रोल होता है एंटीरियरली, ये भी बता रहा हूँ। अब ये बताओ स्लाइड किस साइड होगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर, आपको उस पेशेंट का नी जॉइंट पे एक्सटेंशन बढ़ाना है, एक्सटेंशन के टाइम पे रोल एंटीरियरली होता है। अब आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता करना है ग्लाइड किस साइड करूँ ताकि रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाए। बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं किस साइड ग्लाइड करूँ कि उस पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसका नी एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाए, तो मैं रोल एंटीरियरली हो रहा है उसका, मुझे स्लाइड करना है, किस साइड करूँ, एंटीरियर करूँ या पोस्टीरियर करूँ,
क्विक 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 फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मेरे पास दो रेस्पॉन्सेज आए हैं सर, जंप करने पे जर्किंग को एब्जॉर्ब कर कौन करता है, टिबिया फिबुलर दोनों या कोई एक ही वर्क करता है? चंदन जब हम जंप करते हैं ना तो अकेला टिबिया या अकेला फिबुला उस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पहली बात तो फिबुला हमारे वॉकिंग के टाइम पे हार्डली 20% नॉर्मल वॉकिंग में भी सिर्फ 20% लोड लेता है, ट्रांसफ़र करता है, बाकी 80% टिबिया करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम वॉक करते हैं या जंप करते हैं तो उस टाइम पे मेनिस्कस होता है, तो जितने भी हमारे पैसिव स्टेबिलाइजर्स हैं और जितने हमारे डायनेमिक स्टेबिलाइजर यानी कि मसल्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वॉल्यूशनल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे बचाने के लिए, नी जॉइंट को कंप्रेशन बचाने के लिए, ओवर स्ट्रेन बचाने के लिए, तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। टिबिया लोड लेता है 80%, उसके साथ आपका मेनिस्कस पे कुशनिंग इफेक्ट देता है, वो बचाता है, तो ये सब एक साथ वर्क करते हैं। साथ में आपके मैकेनोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, तो ये सब एक साथ वर्क करते हैं। ऑल राइट, सो हमारे पास बहुत सारे रेस्पॉन्सेज आ गए हैं एंड ऑल ऑफ यू आर सेइंग एंटीरियर, वेरी गुड। तो जब भी हमारे किसी इंडिविजुअल में नी जॉइंट एक्सटेंशन का रेस्ट्रिक्शन होगा, उस इंडिविजुअल में हमने क्या करना है, हमें पता है रोल एंटीरियरली होता है नी एक्सटेंशन के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्केव सर्फेस है तो स्लाइड भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या करेंगे, एंटीरियर स्लाइड दे देंगे। वेरी गुड, परफेक्ट, गुड ध्रुविशा, गुड प्रिया या गुड मित्तल प्रजापति, वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स सर्फेस आपको समझ आ गया, कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल आपको समझ आ गया, मैं ये प्रिज्यूम करके हम अब आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि अब रूल आपको समझ आ गया, फंक्शनल एनाटॉमी आपको आनी चाहिए, जब आपको फंक्शनल एनाटॉमी भी आ गई और रूल भी आ गया, तो अब इसके बाद अगली चीज़ क्या करेंगे, अगली चीज़ हम बात करते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आपने मोबिलाइज करना ना, एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लेन। ट्रीटमेंट प्लेन मतलब जिसमें आप ट्रीटमेंट करो, ठीक है, मतलब कि ये समझ लो ये आपका कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये एक दूसरे में मूव कर रहे हैं। अब आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट क्या करोगे उस पेशेंट के लिए, उसका ट्रीटमेंट करोगे। जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो आप किसी ना किसी बोन को तो मोबिलाइज करोगे। अब आपको ये देखना है कौन सी बोन को मोबिलाइज करना है और कौन सी बोन को नहीं करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या मूवमेंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कौन सी बोन को मोबिलाइज करोगे। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि शोल्डर का एब्डक्शन बेटर करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो ही बोन्स हैं अटैच्ड, या तो आप लेके जी आपका क्लेविकल है, इधर स्कैपुला है, इधर ह्यूमरस है, ये तीन बोन्स आपस में एक दूसरे में अटैच्ड हैं। आप क्या करो कि या तो आप स्कैपुला और क्लेविकल को मूव कर लो, ठीक है, क्योंकि जब भी आप जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हो एक चीज़ होती है जॉइंट स्टेबिलाइजेशन, जो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक साइड को तो आपको स्टेबिलाइज करना पड़ेगा, मतलब अगर दो सर्फेस हैं तो ये एक ये है एक ये है, अगर आप दोनों को ही मूव करते रहोगे तो पता नहीं क्या ही होगा फिर, है ना। तो मूवमेंट जब भी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि आप एक साइड तो स्टेबिलाइज, या तो आप इसको स्टेबिलाइज कर लो या फिर इसको स्टेबिलाइज कर लो। स्टेबिलाइज मतलब रोक के रखना। रोकते कैसे हैं, या तो आप खुद से रोक लो, ठीक है, खुद से कैसे रोकोगे, एक हाथ से आपने पेशेंट का एक हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से आपने उसको मोबिलाइज कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रोकने का होता है कि आपके जो ट्रीटमेंट टेबल्स होती है, बेड होते हैं ना हमारे, उसमें बेल्ट लगा देते हैं हम, क्लोथ की बेल्ट होती है सॉर्ट ऑफ, उससे क्या होता है हम उसको टाई कर देंगे, तो जिस पार्ट को मोबिलाइज करना है उसके दूसरे वाले हिस्से को, जिस जॉइंट को मोबिलाइज करना है उसके एक हिस्से को हमने स्टेबिलाइज कर दिया बेल्ट के साथ, वहाँ जोड़ दिया, बिल्कुल चिपका दिया, अब दूसरा पार्ट इजीली मूव कर जाएगा, है ना, एक जॉइंट पर रिलेटिव मूवमेंट होना है। तीसरा ऑप्शन ये कि आपके साथ कोई आपके हेल्प करने वाले हों जो आपको मोबिलाइजेशन में हेल्प कर सकें, तो वो क्या करेंगे, वो तो कर लेंगे स्टेबिलाइज, आप करोगे मोबिलाइज, तो उससे क्या होगा, आप मोबिलाइजेशन कर सकते हो। जब आप मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो एक जॉइंट तो होगा स्टैटिक, एक होगा डायनेमिक, मतलब एक पार्ट तो मूव करेगा, एक रहेगा स्टैटिक। अब जो पार्ट मूव करेगा आपकी मर्जी है, आप इस पार्ट को मूव कर लो या इस पार्ट को मूव कर लो, मतलब या तो दो पार्ट है, एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, एक को बोलते हैं डिस्टल। जो पार्ट आपके पास है बॉडी के, जो आपके स्पाइन के पास होता है, बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ऊपर की साइड, जो आपके स्पाइन से नीचे की साइड है उसे बोलते हैं डिस्टल। तो आप या तो ऊपर वाले जॉइंट सरफेस को मूव कर लो या नीचे वाले को मूव कर लो। अगर आपके शोल्डर पे
इंडिविजुअल के रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन या एब्डक्शन में, अब आप या तो स्कैपुला को मूव कर लो या फिर ह्यूमरस को मूव कर लो, पर टेकिंग इनटू कन्वेंशन अगर हम मान के चलते हैं कि किसको मूव करोगे, तो ऑब्वियसली आई बिलीव जो डिस्टल पार्ट है उसको मूव करना ही नहीं रहेगा। देखो स्कैपुला को मूव करना इन रिलेशन टू, आप ह्यूमरस को स्टेबिलाइज करो फिर स्कैपुला को मूव करो जो कि ऑलरेडी इतने सारे मसल्स के अंदर यू नो फंसी हुई है, दैट इज़ अ बिट मोर यू नो कॉम्प्लेक्स, सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट नहीं है, अ बिट कॉम्प्लेक्स। बट अगर आप ह्यूमरस को मूव करो जो फ्री मूविंग बोन है आराम से इसको मूव कर सकते हो आप, तो जनरली एज अ कन्वेंशन हम डिस्टल पार्ट को मूव करते हैं, प्रॉक्सिमल को स्टैटिक रखते हैं। ठीक है, जब हम डिस्टल पार्ट को मूव करते हैं, दूसरा रीज़न ये भी है कि जब जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना वो अटैच्ड है बॉडी के साथ, वो कम मूव होगा। जो डिस्टल पार्ट है वो तो फ्री टू मूव है, 180 डिग्रीज तो वैसे भी चला जाता है, तो अब भी चला जाएगा। ठीक है, आप मूव करोगे तो बेटर हो जाएगा। ऐसी एल्बो है, या तो आप ह्यूमरस को मूव कर लो या आप कर लो अल्ना को मूव, तो बेटर है कि अल्ना को मूव करो क्योंकि अल्ना फ्री टू मूव है, ह्यूमरस को तो ऊपर से भी यहाँ अटैच्ड है नीचे से यहाँ अटैच्ड है, तो कितना मूव कर पाएगी ह्यूमरस। ठीक है, तो मूवमेंट जब भी आप करते हो डिस्टल एस्पेक्ट करो एज इन रिलेशन टू प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका मूवमेंट का क्लियर। अब जब भी हम मूवमेंट करते हैं, हम जब एक सर्फेस को हम स्टैटिक रख रहे हैं, एक को स्टेबिलाइज कर रहे हैं, दूसरे सर्फेस को मूव कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लेन। हम तो क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट किस में करेंगे, ट्रीटमेंट प्लेन में करेंगे। ट्रीटमेंट प्लेन का क्या मतलब होता है कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो जिस प्लेन में मूवमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लेन। ट्रीटमेंट प्लेन का मतलब होता है कि जो आपने कॉन्केव सर्फेस है ना उससे परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट प्लेन जो है वो कॉन्केव सर्फेस के अंदर होता है, उससे परपेंडिकुलर आप खींचोगे, आप जो ट्रैक डिस्ट्रैक्शन दोगे वो या ग्लाइड दोगे वो आपके ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर या पैरेलल होएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लेन, कि जो आपका कॉन्केव सर्फेस है किसी भी जॉइंट पे वो होगा ट्रीटमेंट प्लेन, आप उसके परपेंडिकुलर या उसके पैरेलल फोर्स लगाओगे। जैसे कि आपके शोल्डर पे आपका ग्लेनोइड लैब्रम ग्लेनोइड कैविटी, ये क्या है, कॉन्केव सर्फेस है, तो आप जो भी पुल करोगे लाइक दिस वो इसके 90 डिग्री पे पुल करोगे, तो आपका फोर्स जो है वो इसके 90 डिग्री पे आना चाहिए। ओके, तीसरी चीज है कि आपका बॉडी पोजीशन क्या होगा जब भी आप किसी जॉइंट को मूव कर रहे हो, तो आपकी बॉडी पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हमने पीएनएफ में पढ़ा था, शुभम योर एडवाइस यू हैव हेल्प मी इमेंसली इन माई ACL रिहैब प्रोसेस, थैंक यू, माई प्लेजर शुभम। सो शुभम हमारे एक पेशेंट रह चुके हैं पास्ट में जिनके लिए हमने ACL रिहैब प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप अब बेटर हैं, थैंक्स टू द ऑलमाइटी। या सो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे ठीक है, तो जो कॉन्केव सर्फेस है वो होता है ट्रीटमेंट प्लेन। ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो हमारा जो ग्लेनोइड कैविटी है ये हमारा कॉन्केव सर्फेस है, इसके हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमने जब 90 डिग्री पे पुल किया तो उससे क्या हुआ, उससे आपका जॉइंट जो है वो एक दूसरे से दूर चला गया। और अगर हम ग्लाइड देंगे तो ग्लाइड कहाँ देंगे, लाइक दिस, मतलब कि पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। तो जो भी एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप जो भी मूवमेंट करोगे वो या तो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होगी या पैरेलल टू द सर्फेस होगी। परपेंडिकुलर टू द, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पीपल आर जस्ट यू नो, तो जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होगी वो तो उससे आप डिस्ट्रैक्शन करोगे, और जब भी आप ग्लाइड करोगे किसी जॉइंट को तो वो होगी पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। तीसरी चीज़ है आपका जॉइंट की बॉडी पोजीशन कैसी होगी, आप अपने बॉडी पोजीशन को बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे रहना है और आपके इंडिविजुअल को जिसको आप ट्रीट कर रहे हो जो पेशेंट है उनको कैसे रखना है। तो पेशेंट कंफर्टेबल होने चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन में रखना है। हाय अंजन सेन जी, गुड आफ्टरनून। सो पेशेंट को रिलैक्स रखना है, पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि अगर आपका पेशेंट रिलैक्स नहीं है, अगर आपके पेशेंट को आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। होता क्या कि देखो ये मेरा, जस्ट मिनट मैं ये कफ खोल लेता हूँ तो बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, देखो ये है, अब मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल लूज छोड़ रखा है, मैं इजीली, देखो ये देखो, अब मैंने ये जॉइंट को पकड़ा
एंड पुल इट अपार्ट, पुल इट अपार्ट, पुल इट अपार्ट. एक तो ये हो गया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे पता है मैं खुद का मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है. अब मेरे पास कोई पेशेंट आए, वो बहुत अप्रेहेंसिव है, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ट्रीटमेंट अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा पे, क्योंकि हुआ क्या, वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने बात करी, हाँ बताओ, हाँ क्या. तो अगर हम पेशेंट से अच्छे से बात करेंगे तो वो पेशेंट खुश होंगे, पेशेंट खुश होंगे तो वो रिलैक्स रहेंगे, उनको कॉन्फिडेंस. आप भी क्या होता है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ईजी होते हैं, पर अगर कोई अननोन इंडिविजुअल आके आपको बोले हाँ जी क्या हाल चाल कैसे हो, तो आप बोलोगे हु आर यू मैन, मैं आपको जानता नहीं हूँ कुछ नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है. जब आप अनकंफर्टेबल होते हो ना तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडीली चेंजेस हो जाते हैं, बॉडी में मसल्स ना स्टिफ हो जाती हैं, शोल्डर्स थोड़े थोड़े ऊपर रहने लगते हैं, टाइट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक सॉर्ट ऑफ रेडी हैं कि अगर ये इंडिविजुअल हमें जानता नहीं है, ये हमारे साथ कुछ गलत करेगा, कोई भी चीज़ गलत होने वाली होगी, तो हम अपने आप को फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन जो है हमारा, एड्रेनलिन रश आ जाएगा एंड विल जस्ट यू नो स्मैश हिम. पर पेशेंट हमें मारेगा नहीं, डोंट वरी. बट फिर भी क्या होता है, पेशेंट या इंडिविजुअल जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल हैं तो रिलैक्स रहेंगे पूरे ट्रीटमेंट में. रिलैक्स रहेंगे तो ईजिली आप मोबिलाइज कर रहे हो, उसके लिए पेशेंट का रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है. बट अगर पेशेंट रिलैक्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपने बोला ओके हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, और पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट जो तो पेशेंट का क्या होगा इस टाइम पे, पेशेंट जो है हमारे हेलो या तो अब अगर पेशेंट रिलैक्स नहीं है तो क्या होगा, वो पेशेंट टाइट कर लेंगे. देखो अब ये फोरआर्म को पूरा टाइट कर लिया ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा टाइट कर लिया फोरआर्म को, अब टाइट कर लिया, कॉन्टैक्ट कर लिया, अब मैं पूरा फोर्स लगाता रहूँगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई जॉइंट मोबिलाइज नहीं होगा, क्योंकि तो जॉइंट मोबिलाइज करते टाइम जो मूवमेंट होती है वो वैसे भी माइन्यूट फ्रैक्शंस में होती है, 2 mm, 3 mm, 5 mm. अब उसमें भी अगर पूरे मसल्स कॉन्टैक्ट कर गए, पेशेंट ने टाइट कर लिया, तो वो जॉइंट का मूवमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि जैसे मसल कॉन्टैक्ट करते हैं ना जॉइंट पे कंप्रेशन हो जाता है, जॉइंट सरफेसेस पास में चले जाते हैं ऐसे करके, तो उसको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते फिर. तो पेशेंट को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने पेशेंट में, आप अपने उस इंडिविजुअल में रिलैक्सेशन होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा, तो वो मूवमेंट को ईजिली होने देंगे, वो मसल्स को टाइट नहीं करेंगे, वो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. जब ये होगा तो आपका पूरा मूवमेंट ईजिली हो जाएगा, ठीक है. अब इसके बाद बात आती है कि जॉइंट पे ग्रेड्स होते हैं मोबिलाइजेशन के, ठीक है, दो टाइप के. मैंने आपको उस दिन बोला था कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं. स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब हर एक साइंटिस्ट ने, हर एक रिसर्चर ने अपने अपने क्या बोला कि ठीक है इस टाइप का ये मोबिलाइजेशन है, ये मोबिलाइजेशन है, अलग अलग टाइप के मोबिलाइजेशन के प्रिंसिपल्स दे दिए. उनके नाम मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मैकेंजी, मेटलैंड, कैल्टन बोन, शेकलॉक, बटलर, इन सब ने, सीरियक्स, इन सब ने क्या किया, अपने अपने टेक्निक्स दी कि अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो तो नर्व अच्छे से मोबिलाइज होगी, अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो मसल अच्छे से मोबिलाइज होगी. तो हर एक इंडिविजुअल ने अपने अपने टेक्निक्स दे दी. उससे क्या हुआ, अब हमने बीइंग ए प्रॉपर फिजिकल थेरेपिस्ट जिसने 5 years तक बैचलर्स डिग्री करी, 2 years तक मास्टर्स डिग्री करी, देन PhD, हमारे पास पूरा एक डिसिप्लिन है, तो हमने बहुत समझ के साथ हमने उनमें से कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके अपने पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, ठीक है. तो आज हम दो टेक्निक्स की बात करेंगे, मेटलैंड, कैल्टन बोन. एक साइंटिस्ट थे मेटलैंड, एक साइंटिस्ट थे कैल्टन बोन. मेटलैंड ने क्या बोला कि आप जॉइंट को ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन दो. ऑसिलेटरी मतलब आप जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करके अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रिदमिक ऑसिलेशंस. ऑसिलेट क्या होता है, पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम ऑसिलेट करता है. अभी बैकग्राउंड नॉइस आने वाली है बहुत ज़्यादा वाली मेरे विसिनिटी में, पीपल डोंट वॉन्ट कि मैं अच्छे सेशन लूँ, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा. तो जब हम मेटलैंड की बात करते हैं, एक टेक्निक है मेटलैंड टेक्निक. आप मेटलैंड टेक्निक और कार्लटन बोन टेक्निक यूज़ करोगे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए. तो मेटलैंड टेक्निक क्या होती है कि जब भी आप, मेटलैंड ने बोला कि आपके पास ना ऑसिलेशन करने हैं आपको पेशेंट के. ऑसिलेशन मतलब कि जब भी आप मोबिलाइज कर रहे हो पेशेंट को, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, आप पेंडुलम को छोड़ दो, टिक 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 साइड साइड मूव करता रहेगा, ठीक. ऐसे ही आपने जॉइंट को टिक 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 दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ऑसिलेट करना है.
ऑसिलेट मतलब रिदमिक मूवमेंट। ऑसिलेशन क्या होता है? एक रिदमिक मूवमेंट होती है जो बार 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 होती रहती है, रिदम। ठीक है, तो रिदम जो है वो मेंटेन रहेगी, एक स्पीड पे चलता रहेगा, ना तेज ना धीरे। और जब भी हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, जब आपने 11th 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज़ में मेजर होती है, 20 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़। तो ऐसे ही हमारे जो ऑसिलेशंस होते हैं, जो हम जॉइंट में मोबिलाइजेशन करते हैं मेटलेन टेक्निक से, उसको हमने करना होता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, कि हम एक सेकंड में 3 बार स्लाइड कर देंगे, 1 2 3, 1 सेकंड डिस्ट्रैक्ट, 1 2 3 क्विक। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटलेन मोबिलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल, कि आपने ऑसिलेट करना है उस जॉइंट को, ऑसिलेट करके उस जॉइंट के एंड रेंज ऑफ मोशन तक, या जिस भी रेंज ऑफ मोशन तक आपने जाना है, वो मैं भी समझाऊंगा क्या होता है एंड रेंज ऑफ मोशन और मिड रेंज ऑफ मोशन, तो वहां तक लेके जाना है। अब मेटलेन ने बोला कि हमारे पास 5 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो 5 ग्रेड्स होते हैं, 5 के 5 ग्रेड्स, 1 2 3 4 5, तो ये सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं। 1 मतलब बहुत कम, 2 मतलब ज़्यादा, 3 4 5। ठीक है, अब इनके जब भी आप कोई मोबिलाइजेशन पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना मोबिलाइज करोगे, थोड़ा सा, ज़्यादा सा। थोड़ा करोगे तो कब करोगे, ज़्यादा करोगे तो कब करोगे। एक बेसिक रूल बता रहा हूँ, जहाँ अप्लाई करोगे वहीं यूज़ हो जाएगा। किसी भी इंडिविजुअल को अगर पेन है, ठीक है, तो आप ग्रेड 1 या 2 मोबिलाइजेशन उसको प्रोवाइड करो, ही विल गेट रिलीव्ड। ग्रेड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, मैं अभी आ रहा हूँ। किसी भी पेशेंट को अगर रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन है, तो ग्रेड 3 या 4 या 5 प्रोवाइड करो, ही विल गेट रिलीव। ठीक है, आपने बाद वाली चीज़ पहले पढ़ ली, कि अगर किसी को पेन है तो ग्रेड 1 2, पेन के साथ साथ रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन है तो ग्रेड 3 4 5। बस अब वापस आते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5 होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं ग्रेड्स की, तो ग्रेड्स में क्या होता है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जॉइंट कैसा होता है। देखो, ये मान लो आपका जॉइंट सरफेस है, वापस से हम अपने शोल्डर वाले क्लासिकल एग्जांपल पे, ठीक है, ये आपका ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड, ठीक है, कॉनकेव। इसको, इस फिंगर को ना ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपका ह्यूमरस का हेड फिट है इसके अंदर, ठीक है, अटैच्ड है, आर्टिकुलेटेड है, बहुत फैंसी वर्ड यूज करते हैं, आर्टिकुलेटेड है, ठीक है, आर्टिकुलेशन है ह्यूमरल हेड का, और ये आपकी ग्लेनोइड कैविटी का। ठीक है, इसे वापस अभी बाहर निकाल लेते हैं, ह्यूमरल हेड को साइड रख देते हैं। अब ह्यूमरल हेड जो है यहाँ पे, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। मतलब ह्यूमरल हेड यहाँ अगर अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ इतना इतना मूव कर सकता है, ये इसके रेंज ऑफ मोशन है। इसी के अंदर स्लाइड करना है, इसी के अंदर रोल करना है, सब कुछ इसी एरिया के अंदर करना है। ठीक है, ये तो हो गया अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, ओके। अब अगर इस ह्यूमरल हेड को आप इस ग्लेनोइड कैविटी इतने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, आपने क्या किया, कितना मूवमेंट हो रहा है इस पर ग्रेड डिपेंड करेगा। वेरी गुड चंदन, यस, कितना मूवमेंट हो रहा है उस पर ग्रेड डिपेंड करता है, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रेड है। तो ये ग्रेड ही समझा रहा हूँ मैं आपको, कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है अवेलेबल, इतना रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है आपके जॉइंट में। ये आपका जो ह्यूमरल हेड है, ये इतने में ही मूव कर सकता है। अगर इसके अंदर अंदर ईजी मूव इतना इतना करता रहेगा, स्लाइड 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 स्लाइड, तो ये तो हो गया अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। अगर आपने इसको थोड़ा सा पुश किया, अभी देखो ऊपर एक कैप्सूल जुड़ा हुआ है, नीचे कैप्सूल जुड़ा हुआ है, कैप्सूल अटैच्ड है, आपने क्या किया, आपने इसको हल्का सा ऊपर मूव किया, हल्का सा नीचे एक्स्ट्रा, ये अब जब ऊपर लेके जा रहे हो, कैप्सूल है, कैप्सूल क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, वो इसको जाने नहीं देगा, मतलब चला तो जाएगा। अब आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो ये हाथ भी बाहर निकल ही जाएगा, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है, क्यों, क्योंकि कैप्सूल को आप एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो, पर आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैप्सूल लिगामेंट्स मसल्स है ना, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, आपका अवेलेबल एनाटॉमिक रेंज, ठीक है, अवेलेबल जॉइंट रेंज, ये जॉइंट का जो रेंज है जितना अवेलेबल आपका मूवमेंट, ईजी मूवमेंट के लिए, वो ये है। इसके बाद जब आपने एक्स्ट्रा पुश किया,
तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहे हो आप। ये आपका टिश्यू है ना, मसल्स, लिगामेंट्स, कैप्सूल, ये सब आपके टिश्यूज हैं। उस वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, ऊपर जाने नहीं दे रहे, और आप उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, ये गए। जब आपने टिश्यू रेजिस्टेंस, अच्छा ये ऊपर एक चीज़ और रखी हुई है मैंने, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल रेंज ऑफ मोशन। कि इसके बाद अगर आप ले गए ना, आप पेशेंट के शोल्डर को बाहर निकाल दोगे। ठीक है, देखो ये अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, ये आपने टिश्यू रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। अब रेजिस्टेंस क्रॉस करते करते आपने फोर्स लगाते गए, ये आप इतना ऊपर चले गए कि ये यहाँ तक पहुँच गया, इस कैप्सूल को आपने बिल्कुल यहाँ तक ले गए, ये लास्ट पॉइंट है। इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल एंड रेंज, इसकी एनाटॉमी की लास्ट रेंज ये है, इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा। अब मेटलैंड मोबिलाइजेशन में आप किस एरिया में घूमते रहोगे, आप सिर्फ इतने एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक और बस इतना, आप एनाटॉमिकल एंड रेंज को क्रॉस नहीं करोगे। क्योंकि जब आपके पेशेंट को, इंडिविजुअल को डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, ये सब चीज़ें होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो एनाटॉमिकल एंड रेंज को क्रॉस कर लेते हैं, इस करके होता है। अब फटाफट से आप सब लोग भी ना मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा नेक स्ट्रेच कर लो, नहीं तो नेक पेन हो जाएगा इतनी देर तक बैठे बैठे ऐसे करके, एंड ऑपोजिट एज वेल। कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट में आप लिख सकते हो, इतना मैं एक सिप वाटर भी लूँगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट लेट मी नो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर मेटलैंड मोबिलाइजेशन के जॉइंट के ग्रेड्स के साथ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वाओ। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ना, इतने डाउट्स होते थे, मैं पूछता ही रह जाता था। चलो अच्छी बात है, टाइम इज चेंजिंग। तो अब बात करते हैं क्या, ग्रेड्स की। ठीक है, जब हम ग्रेड्स की बात कर रहे हैं तो ये टिश्यू रेजिस्टेंस दोनों साइड, ये अवेलेबल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, एनाटॉमिकल एंड रेंज, वन वन आप दोनों साइड जाओ, साइड साइड। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये रख दिया। ठीक है, अब जब ये रखा हुआ है, अब इसमें क्या करना है, अब ग्रेड वन की बात कर सबसे पहले। थैंक यू सो मच अबे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो अब ग्रेड वन की बात करते हैं। ग्रेड वन ऑसिलेशन, क्योंकि मेटलैंड क्या है, ऑसिलेटरी टेक्निक है, ऑसिलेशन करेंगे, ये तो समझ आ गया। अब ये ऑसिलेटरी टेक्निक है, ये आपका जॉइंट है, ये आपके सारे वो जो रेंजेस मैंने आपको बताई, ये आपका कॉन्केव सरफेस है, इसके अंदर ट्रीटमेंट प्लेन लाई करता है। अब आपका जो ग्रेड वन है ना, वो होगा स्मॉल एम्पलीट्यूड। दो चीज़ें समझनी है, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मतलब कितना मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम एमएम में मेज़र करते हैं, कितने एमएम मूवमेंट हो रहा है। एमएम मतलब मिलीमीटर्स, और फ्रिक्वेंसी होती है हर्ट्ज में मेज़र, कितने हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, कितने एक सेकेंड में या एक मिनट में आपने जॉइंट को कितनी बार ऑसिलेट किया, दैट इज़ ये जो जॉइंट ऑसिलेशन हो रहा है कितनी बार एक मिनट में हुआ, उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी। तो अब यहाँ पे आपने ग्रेड वन की जब आप बात कर रहे हो, ये ग्रेड आपका ये मान लो कॉन्वेक्स, ये पूरा इसमें फिट करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये मान लो। ठीक है, अब ये ग्रेड वन है, ग्रेड वन में क्या होगा, सिर्फ इसके अंदर बहुत थोड़ा सा एम्पलीट्यूड, बस यहाँ से यहाँ तक बहुत थोड़ा सा मूव करेगा, बिगिनिंग ऑफ रेंज ऑफ मोशन से लेके एंड ऑफ रेंज, इसे बोलते हैं इतना मूवमेंट बस। बहुत जेंटल ऑसिलेशन करेंगे, बीच बीच में मूव करेंगे, एंड रेंज तक भी, कैप्सूल तक भी नहीं जा रहे हैं, बस इतना इतना मूवमेंट कि कैप्सूल को बस टच भी करके वापस आ रहे हैं जस्ट। और बहुत इजी, बहुत स्लो, बहुत जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम रहता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेड वन। अब इसके बाद दूसरा आता है, अच्छा पहले वाला क्विक था, मूवमेंट्स क्विक होती हैं, ठीक है, पर एम्पलीट्यूड कम होता है। अब ग्रेड टू को समझना ज़रूरी है। अब आपने क्या किया, अब लार्ज एम्पलीट्यूड, ये देखो अब आप एंड को टच करके वापस आ रहे हो, टिक 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 दिस वे। ठीक है, ग्रेड टू, इसमें क्या होगा, कोई भी अगर इंडिविजुअल को स्टिफनेस या स्पाजम है,
स्पाज़म मतलब मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जब भी कोई मसल, कोई लिगामेंट, कोई फेशिया, कोई बरसा, कोई बोन, कोई भी बॉडीली स्ट्रक्चर को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी बॉडी बहुत अडेप्टिव है, वो उससे बचाने के लिए क्या करेगी, हमारी सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी उस एरिया के, ताकि वहाँ पर फर्दर ना तो मूवमेंट हो, क्योंकि मसल सारी टाइटन अप हो जाएंगी तो मूवमेंट नहीं होने देंगी, मूवमेंट नहीं होने देंगी तो वहाँ पे जो चीज़ वहाँ स्टैटिक मसल कॉन्ट्रेक्शन जो आ जाएगा पूरा टाइटन अप हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे स्पाज़म। तो जब भी किसी इंडिविजुअल को स्पाज़म है या फिर स्टिफनेस है तो उस इंडिविजुअल में हम ग्रेड टू मोबिलाइजेशन, ऑसिलेशन मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब ये आपका जॉइंट है यहाँ से लेके एंड को टच करते हुए टिश्यू रेजिस्टेंस तक जाके वापस, बस उससे पहले ही वापस आप आ रहे हो, दैट इज ग्रेड टू। और रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है? रेजिस्टेंस क्रॉस कर गए तो आप क्या कर रहे हो, मसल को इरिटेट कर रहे हो, वो मसल स्पाज़म में है, कैप्सूल में इंजरी हुई है, कहीं भी इंजरी हुई तो आसपास की मसल स्पाज़म में है। अगर आपने टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो मतलब आप उसके बियॉन्ड जाना चाह रहे हो, तो मसल तो अलाउ करेगी नहीं, हमारी बॉडी सोचेगी ऑलरेडी एक स्ट्रेस था और ये बाहर से फिजियोथेरेपिस्ट आके और इसे तोड़ने में लगे हुए हैं और एक्स्ट्रा यू नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट नहीं करने देंगे, तो पेशेंट का पेन बढ़ जाएगा और आपको वो अलाउ नहीं करेगा। तो अब ग्रेड टू हमेशा टिश्यू रेजिस्टेंस के अंदर अंदर रहता है, बस इतने एरिया में, ठीक है? इसके बाद आपका आता है ग्रेड थ्री, ग्रेड थ्री ऑसिलेशन, मेटलैंड अगेन। इसमें क्या होता है कि आपने ये आपका टिश्यू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, आपने ग्रेड थ्री में टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस करना स्टार्ट किया, ये आपका रेजिस्टेंस है ना, टिश्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कैप्सूल लिगामेंट्स वगैरह आ गए, आपने इसके बियॉन्ड जाना स्टार्ट किया और जितना ये रेंज अवेलेबल है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है ये, ठीक है? ग्रेड टू में जो ग्रेविटी का एब्सेंस में मूवमेंट होगा, चंदन ग्रेड टू ग्रेविटी के असिस्टेंस में मूवमेंट होगा वो हम बात करते हैं जब हम MMT की बात करते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग की। मैनुअल मसल टेस्टिंग क्या होता है, जब आप ग्रेविटी अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर पा रहे इंडिविजुअल, ग्रेविटी के साथ साथ जो प्लेन है उसमें ग्रेविटी एलिमिनेटेड या ग्रेविटी लेसेंट प्लेन में जो मूवमेंट है उसको MMT के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तब बोलते हैं ग्रेड टू। पर जब हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेड टू का मतलब होता है कि आप कितना मूवमेंट करोगे, दैट इज ग्रेड टू, ठीक है? तो इन दोनों का मिक्स नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। MMT इज टेस्टिंग ऑफ जॉइंट, टेस्टिंग ऑफ मसल स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो मैनुअली हम करते हैं उसे बोलते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग, दैट इज MMT। यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 ये ग्रेड्स अलग हैं, ये ग्रेड्स आपके यूज होते हैं मोबिलाइजेशन के लिए जब आपको जॉइंट को मोबिलाइज करना होता है। तो ये एक ट्रीटमेंट है, वो एक टेस्टिंग है, ठीक है? तो जब भी हम MMT की बात करते हैं वो एक असेसमेंट टेक्निक है, और ये जो हमारी मेटलैंड टेक्निक है, मेटलैंड मोबिलाइजेशन, मेटलैंड MAITLAND, मेटलैंड मोबिलाइजेशन एक ट्रीटमेंट टेक्निक है। तो ट्रीटमेंट टेक्निक है तो क्या करेंगे, अब इसमें ग्रेड थ्री जो हम बात करें, ग्रेड थ्री में क्या होगा, ये हमारा टिश्यू रेजिस्टेंस ये है और ये है, हम इसको क्रॉस करेंगे थोड़ा थोड़ा, टिश्यू रेजिस्टेंस पे जाके हम इसको फर्दर इसके बियॉन्ड थोड़ा थोड़ा जाना चाहेंगे, थोड़ा थोड़ा यानी कि अप टू 50% ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये हो गया ग्रेड थ्री, मतलब कि एम्पलीट्यूड हमने हाई रखा, मतलब मूवमेंट ज़्यादा करवाई और स्पीड स्लो रखी, ये ग्रेड थ्री है। उनमें क्या था, स्पीड तो फास्ट थी पर जॉइंट रेंज के अंदर अंदर। ग्रेड टू क्या था, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया पर स्पीड कम कर दी। ग्रेड थ्री क्या है, स्पीड अब भी कम है पर एम्पलीट्यूड और बढ़ा दिया, ये देखो टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस करता जा रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद ग्रेड फोर आया, ग्रेड फोर में क्या होता है कि आपका टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके मिड पॉइंट तक आप पहुंच गए, ये भी आपके टिश्यू के स्पाज़म या स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करता है। मसल स्टैटिक पोजीशन में रह के न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाता है, उसको मूव करते रहना चाहिए, तो अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड स्क्वीज, रिट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन करते रहना चाहिए, ठीक है? अब ग्रेड फाइव ऑसिलेशन लास्ट है, ठीक है? ग्रेड फाइव ऑसिलेशन को हम HVLA भी बोलते हैं, जो हमने बात की ना मैनिपुलेशन, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। हाई वेलोसिटी मतलब बहुत तेज मूव करेगा, बहुत तेज मूव करेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मतलब बहुत क्विक एक्शन होगा।
लो एम्पलीट्यूड मतलब बहुत कम एम्पलीट्यूड का होगा, मतलब एक्चुअल में जो मूवमेंट हो रही है ना वो बहुत कम होगी पर स्पीड बहुत तेज होगी। तो इससे क्या होगा, एक ही बार करेंगे, सिंगल थ्रस्ट देना है बस। जो आपको आप वीडियोस देखते होंगे या आपने लाइव सेशंस किसी के अटेंड किए होंगे या फिर आपने हैंड्स ऑन वर्कशॉप की होंगी, उसमें देखो वो टक टक सॉर्ट ऑफ कम बैक से साउंड निकालते हैं, बैक में टक टक क्लिक सॉर्ट ऑफ साउंड से ना, फिर जॉइंट्स में क्लिक क्लैक, नेक में साउंड आ रही है क्लिक, तो क्लिक साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं जो बहुत फैसिनेटिंग होती है फिजियो के लिए, ये टेक्निक तो सीखनी है और कुछ सीखो ना सीखो, तो वो भी एक टाइप का जॉइंट मोबिलाइजेशन होता है, वो हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होता है। साउंड आना ज़रूरी नहीं है कि साउंड आएगा ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, साउंड आता है फैंसी बनाने के लिए। साउंड आने से ट्रीटमेंट अच्छा या बुरा होने का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो बस फैसिनेटिंग बनाने के लिए होता है। साउंड आना इज़ गुड, मतलब अच्छा लगता है, पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन फील होता है कि अच्छा कुछ स्पेशल हुआ कि मेरा तो जॉइंट्स खुल गए सारे, बट इन एक्चुअलिटी वो साउंड से बहुत ज़्यादा रिलेशन ट्रीटमेंट का नहीं होता है। अच्छा अब हम ग्रेड फाइव पे वापस आते हैं। ग्रेड फाइव में हमने क्या बोला कि ये आपका टिश्यू रेजिस्टेंस है, ये और ये टिश्यू रेजिस्टेंस है, ये कैप्सूल है। ग्रेड फाइव हमने बोला स्लो स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो मतलब क्या होगा, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट होगा। पर इसमें एक चीज़ है जो डिफरेंट है, वो ये है कि जो स्लो एम्पलीट्यूड मूवमेंट है ना, हम बिल्कुल पहले तो जॉइंट के एंड रेंज ऑफ मोशन पे चले जाएंगे, ये जॉइंट है इसके एंड पे चले गए जितना मैक्सिमम अवेलेबल है, एंड पे जाके हमने एक टक, एंड पे जाके एक बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड का मूवमेंट दिया क्लिक, और जितने एडहेशंस थे, जितने उस एरिया में हमें अगर पोजिशनिंग फॉल्ट था उसको हमने करेक्ट कर दिया। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्मॉल एम्पलीट्यूड ही रहे, यहाँ से लेके बस यहाँ तक स्मॉल एम्पलीट्यूड। अगर ये एम्पलीट्यूड हाई चला गया लाइक दिस ये, तो आपका टिश्यू रेजिस्टेंस आपके एनाटॉमिकल एंड रेंज को क्रॉस कर जाएगा, और जिस पोजिशनल फॉल्ट को आप ठीक कर रहे थे वो आप एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दे के पेशेंट को भेजोगे। तो आई डोंट वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन। सो ग्रेड फाइव हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट जो है, यू शुड बी स्किल्ड इनफ उसको प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप गलती का कोई स्कोप ना हो, ठीक है। टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, वो ग्रेड फोर तक चलता है, ग्रेड फाइव में आके कोई ह्यूमन उतना डिवाइन नहीं होगा कि आपको फॉरगिव करेगा। तो अपने अर जो अपने एरर्स हैं उनको कम से कम रखें। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, स्पंदन ने पूछा सर प्लीज़ इफ पॉसिबल देन डू डीज प्रैक्टिकल लेक्चर इन सफेस एनाटॉमी के लेक्चर लीजिए, पीएनएफ एंड मोबिलाइजेशन लेक्चर्स थेरेपी पे ज़्यादा प्रैक्टिस एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्पंदन, अब क्योंकि हमने इसका थियोरेटिकल कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद पीएनएफ और जॉइंट मोबिलाइजेशन की हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशंस जो होंगे ना वो प्योरली लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होंगे। उसमें आपने क्या करना है, आपने आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आपके घर में आपका कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर कोई भी, अब वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा ये कोरोना की चीज़ें चल रही हैं 1.58 लाख केसेस डेली आ रहे हैं, तो माइट बी लॉकडाउन या उसके जैसा कुछ हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि आप घर में ही होंगे ऑब्वियसली या कॉलेज में भी होंगे, तो कोई फ्रेंड होंगे आपके साथ में, उनके साथ बैठिए, जब मैं सेशन लूँगा उनको साथ में बिठा के आप वो चीज़ जो मैं आपको बताता जाऊँगा ना, जो मैं यहाँ पे अपने मॉडल पे करूँगा आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप मैक्सिमम गेन उसमें कर सकें, ठीक है। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट स्पाज़म अगेन, येस। सो अभी ना स्पाज़म क्या होता है, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने नीचे से बेंड होके कुछ उठाया तो एकदम से उसके बैक में झटका लगा, सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन आया। स्ट्रेन आते ही उसके ब्रेन ने क्या परसीव किया, जब भी कहीं पर झटका लगेगा कुछ भी होगा कोई मूवमेंट होगा, तो हमारे जॉइंट में रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए कि भाई यहाँ पे तो कुछ एकदम से क्विक एक्शन हुआ है, उस एरिया को बचाओ। बचाने के लिए कौन आएगा, एक ही डायनामिक स्टेबिलाइजर है हमारे पास, वो हमारी मसल्स होती हैं, वो आके फटाफट से कॉन्टैक्ट कर जाएंगी। कॉन्टैक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा, वो हमारे जॉइंट को वहाँ के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फटाफट टाइटन अप हो जाएंगी, ताकि वो एरिया मूव ना हो पाए। क्योंकि बॉडी हमारी बॉडी पता है हमारा ब्रेन क्या परसीव करता है कि जो पार्ट मूव करेगा ना वो पेन करेगा, तो हमारा ब्रेन क्या करता है उस एरिया के सारे आसपास के सारी जगह को ऐसे रोक दिया। अब ना मूवमेंट होगा, ना जॉइंट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, ना पेन होगा, ठीक है। तो ये जो इनवॉलेंट्री गार्डिंग कॉन्ट्रैक्शन अपनी बॉडी को बचाने के लिए हमारी बॉडी ने एक जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसे हम बोलते हैं स्पाज़म।
इसका एक सिनोनिमस टर्म जो कुछ लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं मसल गार्डिंग। मसल्स को गार्ड कर लिया, आसपास की सारी मसल को टाइटन अप कर लिया इसको रोकने के लिए, ताकि ना मूवमेंट हो ना पेन आए, इसे बोलते हैं स्पाजम। अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये डाउट मेरा हमेशा रहता था बट आई डोंट वांट कि आप लोगों को ये डाउट कभी भी रहे। एक चीज़ होती है स्पाजम, एक चीज़ होती है मसल गार्डिंग, उन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पाजम वो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन है जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करवाता है उस एरिया के अराउंड, ताकि वो एरिया पे मूवमेंट ना हो और फर्दर पेन ना आए। पर अगर स्पाजम की जगह हम बात करें मसल गार्डिंग की, तो मसल गार्डिंग वो है जो या तो इन्वॉलेंट्री हमारा ब्रेन करवा रहा है स्पाजम की फॉर्म में, या फिर आपने कुछ लोगों को देखा होगा, मान लो जिन लोगों में बैक पेन बहुत रहता है ना, वो क्या करते हैं अपनी एब्स को टाइट करके रखते हैं। मान लो उन्हें कॉफ करना है, स्नीज करना है, ब्रश करना है, तो ऐसे खड़े होकर एब्स को टाइट कर लेते हैं, बैक को टाइट कर लेते हैं, वो भी मसल गार्डिंग है। तो वो क्या, वो वॉलेंट्रीली उन्होंने अपनी मसल को टाइटन अप कर लिया, तो इसे बोलते हैं वॉलेंट्री मसल गार्डिंग। दूसरा होता है स्पाजम जो इनवॉलेंट्री मसल गार्डिंग, जो हमारी मर्जी के बिना हो रही है। तो मसल गार्डिंग कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, बट जो स्पाजम है दैट विल बी वॉलेंट्री ओनली, इनवॉलेंट्री ओनली, क्योंकि वो ब्रेन हमारा खुद करवा रहा है। स्पंदन इज सेइंग मसल गार्डिंग इज टू रिड्यूस पेन, वी कंपनसेट, एग्जांपल फॉर वन शोल्डर इज एलिवेटेड देन अदर। वेरी गुड, या एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छा हमारे पास और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्या है कि ग्रेड फोर एक्सप्लेन अगेन प्लीज। ओके अभिषेक कह रहे हैं ग्रेड फोर को दोबारा एक्सप्लेन करना है, तो ग्रेड फोर अभिषेक क्या होता है, ये आपका जॉइंट है, ये आपके टिश्यू रेजिस्टेंस है, ये आपका जो सरफेस मूव कर रहा है वो है बीच में। अब आप अगर इसको 50% तक लेके जा रहे हो लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट, ये तो हो गया ग्रेड थ्री, 50% से कम रख रहे हो, ठीक है, सिर्फ इतना मूव करवा रहे हो कि आपका कैप्सूल मूव कर जाए पर 50% ऑफ रेंज ऑफ मोशन को क्रॉस ना करें। और अगर ग्रेड फोर की बात कर रहे हो तो क्या होगा, इस कैप्सूल को 50% के बियॉन्ड आप लेके जा रहे हो और ओपन अप एम्पलीट्यूड और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसे बोलते हैं ग्रेड फोर। तो आपने टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एनाटॉमिकल एंड रेंज से पहले पहले तक आप इसको पूरा मूव कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं ग्रेड फोर ऑसिलेशन मेटलैंड टेक्निक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर द फंक्शन ऑफ GTO इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मनीष पूछ रहे हैं कि GTO क्या फंक्शन है। तो मनीष हमने PNFI लेक्चर में भी इसका डिस्कशन किया था कि GTO का क्या रोल होता है। जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो GTO क्या है, GTO हमारा सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट है, ठीक है, मसल के साथ सीरीज में अटैच्ड है। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, टाइटन अप होगी, तो जो फोर्स जनरेट होगा ना मसल में, उससे GTO जो टेंडन के अंदर होता है वो पुल होगा, ठीक है, पुल होगा, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे जो अल्फा मोटर और गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके पास जाके उनको सिग्नल देगा कि ठीक है अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वापस से क्या करेगा, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू हमारे जो एंटागोनिस्ट जो ऑपोजिट साइड के मसल्स हैं जो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उनको फर्दर रिलैक्स करवा देगा, ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो सके। ये हमारे GTO का रोल होता है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो अदर क्वेश्चन, ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो गए पाँचों ग्रेड मोबिलाइजेशन के, ठीक है। तो मतलब ये ग्रेड वन क्या हो गया, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट जो आप अवेलेबल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन के अंदर अंदर ही घूम रहे हो, टिश्यू के एंड को भी टच नहीं कर रहे हो, बस अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन के अंदर घूमे जा रहे हो। ग्रेड टू क्या होता है, आप अवेलेबल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन से ये जो रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है इसके अंदर एंड तक जाके वापस आ गए, आपने एंड को टच नहीं किया। पर क्योंकि एंड को टच क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है मसल स्पाजम है, अगर उसके एंड को टच किया तो वो इरिटेट होगा और ज़्यादा पेन करेगा, तो आपने एंड से पहले पहले वापस आ गए। अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या होता है। ग्रेड थ्री क्या होगा, अब हमने टिश्यू एंड रेंज पे गए और 50% स्ट्रेच करे बिना वापस आ गए, ठीक है। ग्रेड थ्री इज टिश्यू एंड रेंज पे जाके वापस आ गए एंड रेंज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके। ग्रेड फोर क्या होगा, ग्रेड फोर में हम स्टार्ट ही एंड रेंज पे जाके और फिर उसके 50% तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रेड फाइव क्या होता है, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट, उसमें क्या होता है आप इसके एंड रेंज पे गए और क्लिक क्विक मूवमेंट देंगे। अब निकी वाधवनी सिंह सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मुलिगन मोबिलाइजेशन ऑल्सो,
Simran is saying, sir, any idea about Mulligan's concept? Yes, I have an idea about Mulligan's concept and I can make a video on that. And उसको आप समझ लेना फिर, ठीक है? मैं आप अपने सारे आइडियाज आपके शेयर करूँगा. द ओनली थिंग इज कि आप उसको समझो, इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो. आई श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. अच्छा, अब ये पांचों ग्रेड्स आपके मोबिलाइजेशन के आपको समझ आ गए हैं. कोई भी इसमें डाउट या कन्फ्यूजन तो यू कैन जस्ट लेट मी नो. अब हम नेक्स्ट जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है वो है कैल्टन बॉन्ड टेक्निक. ठीक है, कैल्टन बॉन्ड टेक्निक क्या होता है? कैल्टन बॉन्ड क्या थे? दूसरे साइंटिस्ट थे, एक थे मेटलैंड, एक थे कैल्टन बॉन्ड. और जो अभी हमने, आप लोगों ने सुना होगा, मैं मुलिगन बोल रहा था, अभी हमारी बात हो रही थी. जो मुलिगन क्या होता है, मुलिगन को बोलते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट. ठीक है, मुलिगन एक साइंटिस्ट थे. हाय, गुड आफ्टरनून सूर्य. तो मुलिगन ने क्या बोला कि आप मोबिलाइजेशन तो करो ही करो, साथ में ना मूवमेंट भी कर दो. कि आपने क्या करना है, आपको पता है कि अगर एल्बो को फ्लेक्स करवाना है, आपको पता है कि ठीक है कॉनकेव सरफेस मूव कर रहा है तो स्लाइड और रोल एंटीरियरली होगा, तो एक साथ करवा दो. ये तो हो गया मेटलैंड नॉर्मल या कैल्टन बॉन्ड. अब मुलिगन ने बोला कि आप ये जो मूवमेंट करवा रहे हो ना, एंटीरियर ग्लाइड, एंटीरियर स्लाइड, एंटीरियर रोल, इसके साथ साथ आप क्या करो, फ्लेक्शन भी करवा दो. पेशेंट का एक्टिव या पैसिव जॉइंट का फ्लेक्शन भी करवा दो. मतलब जो मूवमेंट को आप बढ़ाना चाह रहे हो, मूवमेंट साथ में करवा दो. तो उसको हम बोलते हैं मुलिगन्स टेक्निक. तो मुलिगन टेक्निक क्या करते हैं, मुलिगन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, ब्रायन मुलिगन पूरा नाम था उनका, उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी जॉइंट को मैक्सिमली रेंज को गेन करना है तो आप उसको पैसिव मूवमेंट तो करवाओ ही करवाओ, मोबिलाइजेशन के साथ पैसिव मूवमेंट ऐड कर दो, तो इफेक्टिव वे में मोबिलाइजेशन हो पाएगा. ये भी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट था. अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मुलिगन, मेटलैंड, सीरियक्स, कैल्टन बॉन्ड, शेकलॉक, बटलर, बहुत सारे. ठीक है, सीरियक्स. तो अब दूसरा जो था वो था कैल्टन बॉन्ड. कैल्टन बॉन्ड में तीन होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3. कैल्टन बॉन्ड बहुत सिंपल था. जैसे मुलिगन में तो क्या था कि आपको ऑसिलेशन देना है, आपको पांच ग्रेड्स याद रखने हैं. मेटलैंड में जो अभी हमने पहले पढ़ा, पांचों ग्रेड्स याद रखने पड़ेंगे. कि अच्छा, उन ग्रेड्स को याद रखने के एक सिंपल हैक और बता दूँ, बाद में फिर अगर मैं भूल गया तो फिर आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए. तो आपने क्या करना है, ग्रेड 1 और ग्रेड 4, ठीक है, स्लो, लो एम्पलीट्यूड होंगे, हाई वेलोसिटी होंगे. ग्रेड 1 और 4 जो है उनका एम्पलीट्यूड कम रहेगा. ठीक है, और ग्रेड 2 और 3 वो लार्ज एम्पलीट्यूड होंगे. तो ग्रेड 1 और 4 में एम्पलीट्यूड कम रहेगा, ग्रेड 2 और 3 में एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा. मतलब कि मूवमेंट ग्रेड 2 और 3 में ज़्यादा रहेगी, मूवमेंट ग्रेड 1 और 4 में कम रहेगी. कितने mm जॉइंट मूव कर रहा है ना, वो कम रहेगा. तो अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ, जस्ट ये लाइट मूवमेंट इज ग्रेड 1, क्विक लाइट मूवमेंट. इसके बाद ग्रेड 2 वुड बी दिस मच, ग्रेड 3 वुड बी दिस मच, ग्रेड 4 वुड बी टिश्यू रेंज एक्सट्रीम, एंड रेंज पे गए टुक 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 टुक, एंड ग्रेड 5 वुड बी एंड रेंज गए टक क्लिक. ठीक है, ये हो गए पांचों ग्रेड आपके. अब आता है कैल्टन बॉन्ड. कैल्टन बॉन्ड में क्या था, कैल्टन बॉन्ड में तीन ग्रेड थे. ठीक है, पहला ग्रेड उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पहले ग्रेड में क्या करते हो, जस्ट सेम टेक्निक थी कैल्टन बॉन्ड. आई बिलीव, जितना मुझे याद है, कैल्टन बॉन्ड ना मेटलैंड के डिसाइपल थे. ठीक है, या मेटलैंड कैल्टन बॉन्ड के डिसाइपल थे, एक दूसरे के साथ, मतलब एक के प्रोफेसर और स्टूडेंट ऐसे करके थे, साथ में वर्क करते थे, एज मच एज आई रिमेंबर. एक बार क्रॉस वेरीफाई प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती है ना, इसका वेरीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन किसका डिसाइपल था. जो भी था, तो कैल्टन बॉन्ड ने बोला कि ठीक है, पाँच ग्रेड की ज़रूरत नहीं है, तीन ही ग्रेड बहुत है. ग्रेड बात सेम बताई, ये टिश्यू रेजिस्टेंस है, ये एनाटॉमिकल एंड रेंज है. ग्रेड 1 क्या होता है कि आप इसके अंदर बस मूव करो. अच्छा, ग्रेड 2 क्या होता है, आपने टिश्यू के एंड पे जाके स्लैक ले लिया. ग्रेड 2 को बोलते हैं टेकिंग दी स्लैक. स्लैक मतलब ये देखो, ये है, ये शर्ट को मैंने ऐसे कर दिया. ठीक है, ऐसे करके बैठा हूँ मैं. ये क्या है, ये है, इसे बोलते हैं स्लैक. ठीक है, सो स्लैक है. तो ये शर्ट क्या, बिल्कुल लूज, ऐसे लैक्स हो गई बिल्कुल, है ना. तो इससे क्या हो रहा है कि अब ऐसे हमारा कैप्सूल होता है, जब हम रिलैक्स स्टेट में बैठे हैं, हमारा कैप्सूल क्या है,
वो बिल्कुल स्लैक में है, नीचे से इसका पाउच लटक रहा है कैप्सूल का एक्स्ट्रा, ठीक है। शोल्डर की बात कर रहे हैं अगर हम, जैसे कि ये है ना आपका, ये कैप्सूल का पाउच है ऐसे करके, अब ये मेरी शर्ट स्लैक में है। अब अगर हम ग्रेड वन कर रहे हैं तो ये स्लैक ऐसे कैसे रहेगा, इसके अंदर जॉइंट रेंज के, एनाटॉमिकल रेंज के अंदर ये जो अवेलेबल जॉइंट रेंज है इसके अंदर जॉइंट घूमे जा रहा है जस्ट नॉर्मल, ठीक है। ग्रेड टू की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्लैक है, ये जो टिश्यू एंड रेंज है, अब इसको हम खींच देंगे तो ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा स्लैक ले लिया, ये पूरा इसको पुल कर दिया ऐसे, ये ग्रेड टू मोबिलाइजेशन हो गया इसका, ठीक है, कैल्टन बोन ग्रेड टू। ये स्लैक को पूरा ऐसे स्ट्रेच कर दिया, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही करके जब जॉइंट पे आप एंड रेंज पे चले गए, आपने स्लैक ले लिया, एक बार मैं दिखाता हूँ, एक बार चेयर थोड़ा सा आगे कर, तो ये हमारे पास देखो ये हैंड, ठीक है, मैंने यहाँ से होल्ड किया ऐसे, ठीक है, ये मैंने होल्ड किया, मैंने पुल किया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया। किसी भी मोबिलाइजेशन को करने पर डिस्ट्रैक्शन देना होगा, डिस्ट्रैक्शन जो है वो कॉनकेव सरफेस के, यहाँ पे कॉनकेव सरफेस क्या है, रेडियस का जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, वो डिस्टल एंड है, वो कॉनकेव सरफेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से होल्ड किया लाइक दिस, ठीक है, तो पूरा पकड़ लिया अच्छे से, या फिर हम इसको ऐसे करके भी पकड़ सकते हैं। ये देखो ग्रिप बहुत टाइप के होते हैं, मैं सारे ग्रिप आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल जब हम करेंगे। तो मैंने ऐसे करके दो फिंगर्स पकड़ी, ऐसे करके ये दोनों साइड से ग्रिप कर लिया, ठीक है, थंब यहाँ से, ताकि पूरा हाथ कहीं नहीं जाने वाला। आपका ग्रिप जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो फिर छूट ना पाए आपके हाथ से। अब मैंने क्या किया, प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज करा और डिस्टल पार्ट को डिस्ट्रैक्ट करा, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। ये देखो ये दोनों पास हैं, अब ये दूर चले गए। एक तो होता है ये देखो, ये मैं ऐसे कुछ भी करता हूँ, ये सिर्फ स्किन खींच रही है, ये कुछ नहीं हुआ। जब तक आप जॉइंट को पूरा स्टेबलाइज नहीं करोगे, अब देखो अब ये जो ग्रिप है ना, अब बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स। तो पहला कार्लटन वॉन ने क्या बोला कि अगर आपको ग्रिड वन करना है तो आप क्या कर रहे हो, अवेलेबल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन में पहले डिस्ट्रैक्ट करो, बस दिस मच, ठीक है। अगर ग्रेड टू करना है, अच्छा मेरी पेशेंट थेरेपिस्ट पोजिशन भी बहुत गलत है तो इसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आइडियली मुझे खड़ा होना चाहिए, मुझे अपने शोल्डर से फोर्स लगानी चाहिए, वो सब चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब देखेंगे, अभी जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्या है, इसी में अगर हमने ग्रेड टू करना है तो डिस्ट्रैक्ट किया, अब आप टिश्यू एंड, अब देखो यहाँ से कैप्सूल और मसल को पूरा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, पूरा एंड रेंज तक चले गए, टिश्यू का स्लैक ले लिया, ये जो लूज है इसको टाइटन अप कर दिया, ठीक है। ग्रेड थ्री क्या होगा, ग्रेड थ्री में क्या है, आप टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गए, ये देखो ये डिस्ट्रैक्ट क्रॉस, डिस्ट्रैक्ट क्रॉस ऐसे करके, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेड वन टू थ्री कैल्टन बॉन। मेटलैंड और कैल्टन बॉन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मेटलैंड बोलते हैं कि जो मोबिलाइजेशन है वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए, जबकि कैल्टन बॉन बोलते हैं कि मोबिलाइजेशन जो है वो स्टैटिक होना चाहिए, बस पुल किया एंड होल्ड, एक जगह होल्ड करके रख लिया, ठीक है। तो कैल्टन बॉन मोबिलाइजेशन जो है वो मूव नहीं करेगा, वो एक जगह जाके होल्ड करना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे मेटलैंड की, मेटलैंड होगा ऑसिलेटरी, जिसमें मूवमेंट होगा। दूसरी चीज़ होती है, क्या डिफरेंस है, मेटलैंड में फोर या फाइव ग्रेड्स होते हैं, मतलब ग्रेड फोर अगर आप नॉर्मल मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हो, ग्रेड फाइव अगर मैनिपुलेशन की बात कर रहे हो, और कैल्टन बॉन में थ्री ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड वन इज नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट, ग्रेड टू इज टेकिंग द स्लैक, एंड ग्रेड थ्री इज एंड रेंज, टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फर्दर उसके बियॉन्ड चले गए, दैट इज ग्रेड थ्री। किसी भी जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक में ग्रेड वन और टू यूज होते हैं पेन कम करने के लिए, स्पाज़म कम करने के लिए, स्टिफनेस कम करने के लिए। किसी भी जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक में ग्रेड थ्री या फोर यूज होते हैं उसके रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, पोजिशनल फॉल्ट ठीक करने के लिए, उसका कंप्लीट रेंज को बेटर करने के लिए, ठीक है। सो ग्रेड थ्री एंड फोर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इस करके वो यूज़ होते हैं रेंज ऑफ मोशन ठीक करने में।
ग्रेड वन एंड टू क्योंकि टिश्यू एंड रेंज पर टच नहीं कर रहे हैं, ग्रेड वन एंड टू जो है वो टिश्यू रेजिस्टेंस के अंदर अंदर ही घूमते रहते हैं। तो इस करके मतलब जो ग्रेड वन टू और टू की जो मोबिलाइजेशन आप दोगे उसमें आप टिश्यू के एंड रेजिस्टेंस तक टच नहीं करोगे, टिश्यू रेजिस्टेंस तक टच नहीं करोगे, तो ना कोई टिश्यू एक्स्ट्रा टच होगा, ना कोई इरिटेट होगा, ना पेन बढ़ेगा, तो आप उस पेशेंट का पेन कम कर दोगे। अब एक सिंपल एल्गोरिज्म है कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। जब आपके क्लिनिक पर कोई भी पेशेंट आते हैं तो आपको कौन सा ग्रेड अप्लाई करना चाहिए, मतलब मैंने आपको बता दिया 1, 2, 3, 4, 5। पर अब जैसे ना मान लो कोई डॉक्टर है, पैरासीटामोल दे रहे हैं वो किसी को किसी पर्टिकुलर पेन के लिए या फीवर के लिए कैसे भी, अब वो 325 mg दें या 400 mg दें या 500 mg दें या 625 mg दें, कितना, तो वो जो डोज है वो टाइट्रेट होती है। वो डोज कैसे टाइट्रेट होती है, हर इंडिविजुअल के हिसाब से, कि अगर जो इंडिविजुअल आ रहा है वो कोई छोटा बच्चा है तो उसको तो मैं कम डोज दूंगा क्योंकि उसके बॉडी वेट के हिसाब से मुझे इतनी डोजेज देनी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई बड़ा इंडिविजुअल है जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उनके बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज बढ़ जाएगी क्योंकि उस मेडिसिन को उतना वर्क करने के लिए भाई उतना क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसे ही आपका मोबिलाइजेशन प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर आपने किसी भी पेशेंट को मोबिलाइज करना है, जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाना है, तो आपको ये डिसाइड करना है कितनी डोजेज होगी उस पर्टिकुलर मोबिलाइजेशन की। तो डोजेज कैसे डिसाइड करते हैं, डोजेज होता है आपका एम्पलीट्यूड कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी। तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी आपके पांचों ग्रेड्स में है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 1 और 2 कर रहे हैं तो क्या होगा, जॉइंट टिश्यू रेजिस्टेंस के अंदर होंगे, तो और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ग्रेड 1 और 4 का एम्पलीट्यूड कम होगा, 2 और 3 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड। अब जब भी आपके पास कोई पेशेंट आते हैं सबसे पहले आपने ग्रेड 2 देना है उनको। ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, ये एक एडवाइस रहेगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी आप कोई भी टॉपिक फिजियोथेरेपी का या किसी भी चीज़ का पढ़ते हैं तो आप एल्गोरिदम बना के पढ़ाई करें। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपके पास एक पेशेंट आए, वो पेशेंट को शोल्डर पेन है, ठीक है, शोल्डर पेन है, तो शोल्डर पेन के तो वी हैव एन नंबर ऑफ रीजंस, या तो वो हो सकता है टिश्यू रेस्ट्रिक्शन की वजह से, या हो सकता है बोनी इशू की वजह से, या हो सकता है कैप्सूल की वजह से, या हो सकता है मसल की वजह से। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि ठीक है रेंज ऑफ मोशन तो कंप्लीट है, तो मतलब कैप्सूल रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है, आपने रूल आउट कर दिया एक चीज़। अब आपने क्या किया, पहले रेंज ऑफ मोशन चेक करी, आपने देखा पूरी जा रही है कि नहीं जा रही, तो आपने देखा अगर जा रही है येस, तो आपने एक टेबल बना लिया, ऊपर शोल्डर, शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन असेसमेंट, अगर कंप्लीट है, कंप्लीट है तो येस लिख दो, कंप्लीट नहीं है तो नो लिख दो, येस है तो ओके, फिर नो, अगर नो है तो उसके नीचे आगे बढ़ो, नो है तो फिर अब वो कैप्सुलर रेस्ट्रिक्शन है या नॉन कैप्सुलर रेस्ट्रिक्शन है, कैप्सूल की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है या मसल या किसी और चीज़ की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अगर कैप्सूल की वजह से हो रहा है तो येस लिख दो, अगर किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है नो लिख दो, ठीक है, नो लिख के फिर किस चीज़ की वजह से हो रहा है उसे असेस करो, फिर उसकी रेंज उसकी आइसोमेट्रिक टेस्टिंग करो, MMT करो, अगर मसल की वजह से हो रहा है तो MMT करो, MMT करके पता लगाओ कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मूवमेंट कितना जा पा रहा है। वो होने के बाद फाइनली आपका एक एल्गोरिदम रेडी हो गया कि अगर ये है तो ऐसे करेंगे, ये है तो ऐसे करेंगे, अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं तो ऐसे करेंगे, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान रेडी हो गया। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसमें कि आप क्लिनिकल रीजनिंग लगाते हो। जब भी आप किसी भी ट्रीटमेंट को क्लिनिकल रीजनिंग के साथ करते हो ना, जब आप किसी इंडिविजुअल को ट्रीट करते हो, उसका असेसमेंट करते हो, क्लिनिकल रीजनिंग अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम बेस्ड ट्रीटमेंट। तो एल्गोरिदम से जब आप ट्रीटमेंट करोगे, आपका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव टू द पॉइंट होगा, ठीक है, और अच्छा ट्रीटमेंट होगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे। सर, कैल्टन बोन एंड मेटलैंड मोबिलाइजेशन की वर्किंग इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन दोनों मेथड के पीछे का फिजियोलॉजी क्या है? ओके स्पंदन, तो देखो कैल्टन बोन और मेटलैंड दोनों ही टेक्निक्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं चार्जिंग कितनी रहेगा बस ये देख लूँ मैं एक बार, चार्जिंग हमारे पास है 15%, बहुत चार्जिंग है अभी, हाँ जी। तो जब भी आप बात करते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन के बारे में, चाहे कैल्टन बोन हो चाहे मेटलैंड हो, वो दोनों कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में जिसके बेस पर वो फ़ायदा या नुकसान हमें करते हैं। सबसे पहला उनका जो इफेक्ट आता है वो आता है न्यूरो फिजियोलॉजी पे हमारी। जब भी आप कोई मोबिलाइजेशन करेंगे, आप जॉइंट रिसेप्टर्स को यानी कि मैकेनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट जब मैकेनो रिसेप्टर्स होंगे तो पेन कम होगा, पेन कम होगा तो आपका जो मसल गार्डिंग है, मसल स्पाज़म है, वो बेटर होता जाएगा। तो ये तो हो गया आपका न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होता है, क्या होता है, न्यूट्रिशनल इफेक्ट।
ठीक है, जब आप किसी भी जॉइंट को मूव करते हो, मान लो आपका नी जॉइंट है, ठीक है, ऐसे फीमर है या टीबिया है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जब आपने नी को मोबिलाइज किया, एक तो होता कंप्रेशन, एक होता डिस्ट्रैक्शन। जब कोई चीज़ कंप्रेस हो रही है, एक स्पॉन्ज की तरह है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जब कंप्रेस हुआ तो जितना पानी था ना, एक स्पॉन्ज को रखो, स्पॉन्ज होता है ना, उसको अंदर पानी भर के एक जगह रख दो फ्लैट टेबल पे, उसके ऊपर से आप प्रेशर लगाओ, जब आपने प्रेस किया तो उसका सारा पानी निकल के साइड्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है, फिर जब आपने उसको छोड़ा तो उसने वापस से वाटर का इम्बाइब कर लिया। ऐसी आपकी बॉडी है। जब आप जॉइंट मोबिलाइज करते हो तो आपने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन, दूसरा था डिस्ट्रैक्शन। जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो स्पॉन्ज का सारा पानी बाहर चला गया, यानी कि हमारे जॉइंट्स का सिनोवियल फ्लूइड बाहर चला गया। सिनोवियल फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी हम मोबिलाइजेशन करेंगे वो हम अपने सिनोवियल जॉइंट पे करते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम अब क्रेनियम के फाइब्रस जॉइंट को तो मोबिलाइज करेंगे नहीं, जैसे क्रेनियम है, हेड है, फेस की बोन्स है, उनको तो मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो हम मोबिलाइज करेंगे अपने सिनोवियल जॉइंट्स को, इनके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है। सिनोवियल फ्लूइड जब होता है तो उसको कंप्रेस करेंगे तो सिनोवियल फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, रिलैक्स करेंगे या डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो सिनोवियल फ्लूइड वापस अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल फ्लो होगा, ठीक है, न्यूट्रिशनल फ्लो करेगा तो ये भी एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे बोला न्यूट्रिशनल इफेक्ट, तो ऐसे वर्क करता है जॉइंट मोबिलाइजेशन। और तीसरी चीज़ होती है मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी आपका कोई जॉइंट हाइपोमोबाइल है, आप उसको मोबिलाइज कर रहे हो, तो उसका एडहेशंस जो बने हुए हैं, जो आसपास के कनेक्टिव टिश्यू थिकन अप हो गए हैं, जो उसको मूव नहीं करने दे रहे हैं, मोबिलाइज बहुत टाइम तक इमोबिलाइज रहे, मूव नहीं हुए, उस करके वो एडहेशन फॉर्म हो गए, उसको लूज करने में हेल्प करेंगे मैकेनिकल इफेक्ट। तो इस तरह से आपके जो जॉइंट मोबिलाइजेशन, चाहे कैल्टन बोन चाहे मेटलैंड, इनकी फिजियोलॉजी ये है कि एक तो ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर मोशन और जॉइंट का मैकेनोरिसेप्टर का एक्टिवेशन करवाते हैं, ताकि पूरी जॉइंट की मूवमेंट को नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, हाय ऋषिकेश, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे, हम एक तो आगे निकल जाते हैं बहुत, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि कैल्टन बोन हो गया और मेटलैंड हो गया, इन दोनों टेक्निक्स को आपने अप्लाई किया, जॉइंट को मूव किया, आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है, आपको पेशेंट की पोजीशन का ध्यान रखना है, पेशेंट को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में, कि जब भी आप ट्रीटमेंट किसी का डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिदम बेस्ड ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे ही हम मेटलैंड मोबिलाइजेशन जो देते हैं, ये भी एल्गोरिदम बेस्ड मोबिलाइजेशन देंगे। तो एल्गोरिदम बेस्ड मोबिलाइजेशन कैसे होता है कि आपने पेशेंट को बोला, डे वन पे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, आप कौन सा टाइप, कौन सा ग्रेड दोगे मोबिलाइजेशन का, क्विक आंसर्स प्लीज, कौन सा ग्रेड मोबिलाइजेशन का आप दोगे, कोई पेशेंट आपके पास डे वन पे आ रहा है, डे टू नहीं है, डे थ्री नहीं, डे वन असेसमेंट वाला देना है, उस दिन आपने पेशेंट को असेस भी करना है और ट्रीट भी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप, हम अभी यूएस या यूके में नहीं बैठे जहाँ पे असेसमेंट के लिए एक दिन अलग से दिया जाता है, फिर उसके बाद आराम से कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चलता है, हमारे यहाँ तो यू नो सेम डे ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो ठीक है, स्पंदन इज सेइंग ग्रेड वन और टू, मनीष इज सेइंग ग्रेड टू, एंड हु एल्स, इतना मैं एक से वाटर ले लेता हूँ टू रिड्यूस पेन, गुड, ग्रेड टू ओके, एंड सिमरन इज सेइंग ग्रेड टू, चंदन इज सेइंग ग्रेड टू, ओके, ऑल राइट, ऋषिकेश इज सेइंग ग्रेड वन एंड टू, वेरी गुड। तो होता क्या है कि जब भी हम डे वन पे पेशेंट आएगा, हम उसको ग्रेड टू मोबिलाइजेशन देंगे, वेरी गुड, गुड अभिनव, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, एंड डे वन पे जब भी पेशेंट आपके पास आया, उनको ग्रेड टू मोबिलाइजेशन दो मेटलैंड वाला। क्यों? क्योंकि जब भी आप ग्रेड टू मोबिलाइजेशन देते हो ना, आपको पता है ग्रेड वन एंड टू पेन रिलीफ के लिए होते हैं, ग्रेड थ्री एंड फोर रेंज ऑफ मोशन के लिए होते हैं। अब ग्रेड टू जो है ग्रेड वन से थोड़ा ज़्यादा है, ग्रेड वन तो बिल्कुल ही माइन्यूट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बस जस्ट अंदर जॉइंट के टिश्यू रेंज के भी बस मिड में घूमता रहेगा। ग्रेड टू में आप क्या करोगे, एटलीस्ट टिश्यू एंड को टच नहीं करोगे, बट उसके पास से तो वापस आओगे, तो थोड़ा तो रेंज ऑफ मोशन में कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा, और पेन पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जब पेन पे फर्क पड़ेगा
तो ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपके लिए तो हो सकता है रेंज ऑफ मोशन कम है, आपके लिए हो सकता है मसल स्ट्रेंथ कम है, ये कम है वो कम है, सारे असेसमेंट आप कर दोगे, बट क्या पेशेंट को इतना सा भी अपने रेंज ऑफ मोशन या स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी वाले टर्म्स का कुछ पता है? गुड ध्रुविशा, ग्रेट वन, वेरी गुड। तो पेशेंट को ये पता है कि मुझे तो पेन हो रहा है, मैं इसलिए आपके पास आया, आपको पेन ठीक करना है। तो क्योंकि आपने पेन ठीक करना है तो आपको पता है ग्रेड वन एंड टू पेन ठीक कर सकते हैं, ग्रेड टू ग्रेड थ्री के पास है तो रेंज ऑफ मोशन में थोड़ा इफेक्ट करेगा। तो आप क्या करो, डे वन पे ग्रेड टू मोबिलाइजेशन सेशन ओवर हो जाएगा, एक बार केसनर ओपन करना, केसनर में पूरा एल्गोरिथम दिया हुआ है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ उसमें कि ग्रेड टू आप डे वन पे दो, फिर सेकंड डे पेशेंट का रिस्पॉन्स देखो क्या होता है, ठीक है? सेकंड डे जब पेशेंट आपके पास आएगा, अगर पेशेंट का पेन कम हो गया, ठीक है, इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट अच्छा था, ओके? तो अगर पेशेंट का पेन हो गया कम तो आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि अब रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन है या सिर्फ पेन था। अगर सिर्फ पेन था तो ग्रेड टू कंटिन्यू करो, क्योंकि ग्रेड टू से तो पेन कम हो गया, तो एक दो दिन और ग्रेड टू कंटिन्यू करो, आप उनका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके? दूसरा केस ये होगा कि पेशेंट अगले दिन आए और बोल रहे हैं कि मेरा पेन कम हो गया पर शोल्डर अभी भी ऊपर नहीं आ रहा है, तो आपको दिख गया कि पेन तो कम हो रहा है ग्रेड टू से बट रेंज ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि हमें रेंज ऑफ मोशन को बेटर करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उनके शोल्डर को पूरा मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो अब आप ग्रेड थ्री पे आ जाओ, क्योंकि आपको पता है ग्रेड टू से पेन नहीं बढ़ा तो इजीली ग्रेड थ्री करवा सकते हैं, ठीक है? ग्रेड थ्री करवा दिया, उनकी रेंज ऑफ मोशन बेटर करनी, या ग्रेड फोर या थ्री, जो भी आपको सुटेबल लगे उनके कंडीशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। अब अगर पेन बढ़ गया, ये तो था पेन नहीं बढ़ा, पेन नहीं बढ़ा और सिर्फ अगले दिन पेन कम हुआ पर अभी थोड़ा पेन है तो ग्रेड टू करवा दिया। अगले दिन पेन कम हो गया और रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन भी है तो ग्रेड थ्री या फोर करवा दिया। अब नेक्स्ट डे पेशेंट आगे बोलते हैं, कल आपने मैंने मोबिलाइजेशन किया था, आज तो मेरा पेन बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने पेशेंट को ग्रेड वन करवाना है, ठीक है? उससे क्या होगा, क्योंकि आपको समझ आ गया कि ग्रेड टू मोबिलाइजेशन दे के पेशेंट का पेन जो है ना वो बढ़ गया, तो पेशेंट कांट टॉलरेट इवन ग्रेड टू मोबिलाइजेशन। तो कितना सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स अंदर हो गए होंगे कि जो ग्रेड टू को भी नहीं बेयर कर पा रहे, तो आप ग्रेड वन पे वापस आ जाओगे, ग्रेड वन से पेशेंट का पेन कंट्रोल करोगे, जैसे जैसे पेन कंट्रोल हो जाएगा फिर वापस ग्रेड टू एंड थ्री पे प्रोग्रेस करोगे, रेंज ऑफ मोशन को बेटर करोगे और फिर वापस से नॉर्मलाइज करोगे। एंड ये सारे आपके पेन बेटर हो तो क्या करना है, पेन बेटर हो तो रेंज ऑफ मोशन बेटर करनी है। तो ऐसे करके आप ये एल्गोरिथम बेस्ड ट्रीटमेंट करके आप अपने पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दोगे और इस तरह से आपका पेशेंट बोलेगा अरे वाह, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है प्रॉपरली। इस चैप्टर को पूरे को आप किसनर से पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे सोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जब आप किसनर पूरी पढ़ लो उसके बाद कुछ आर्टिकल्स मैं आपको भेज दूंगा, उनको भी पढ़ सकते हो। ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी इसको देख के पूरा ये टॉपिक समझ सकते हो। इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कॉमेंट्स में मैंशन कर दीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। एंड नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही लेंगे, तब तक के लिए आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख के आप वो टॉपिक समझ सकते हैं। अगर स्टिल वो डाउट परसिस्ट करता है तो आप हमें इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकूं। एंड ये जो सेशंस हैं ये सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे बेनिफिट ले सकें और मैक्सिमम बेनिफिट सब लोगों का हो सके। एंड एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है कि सर मोडालिटी यूज़ कराते हैं और पहले मोडालिटी यूज़ करें फिर मोबिलाइजेशन की, पहले मोबिलाइजेशन दे के मोडालिटी देना एडवाइजेबल होगा? अच्छा, तो स्पंदन होता क्या है कि देखो मोडालिटी जो इलेक्ट्रोथेरेपी एस्पेक्ट है ना वो वैसे ही है जैसे हमारी पेन किलर्स होती हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी एस्पेक्ट्स को जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज अच्छी हैं मतलब वो हमारे जॉइंट और न्यूरोफिजियोलॉजी पे वर्क करती हैं, वो प्रोड्यूस भी करती हैं अच्छे इफेक्ट्स, बट इन ऑल अगर टोटल एस्पेक्ट देखा जाए तो आप मोबिलाइजेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करो, ऑब्वियसली मोडालिटी का अगर हम बात करते हैं तो आप क्या करोगे, जब भी मोबिलाइजेशन करोगे उससे पहले आप आइस पैक या हॉट पैक लगाओगे ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो जिस पार्ट को मोबिलाइज करना है उसको फुल्ली रिलैक्स करना है,
रिलैक्स करने के लिए आप आइस पैक या हॉट पैक या टेंस लगा के उस पेशेंट का पेन जो हो रहा है ना, शार्प पेन जो हो रहा है, उसको हल्का सा कम कर दोगे। उस एरिया को जैसे पेन थोड़ा सा कम होगा, स्पाजम हल्का सा कम होगा, अब वो एरिया रिलैक्स हो जाएगा, तो आप इजीली मोबिलाइजेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा मसल गार्डिंग है, स्पाजम है, तो आप एकदम से तो मोबिलाइज भी नहीं कर सकते। तो यस, इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़, मोडेलिटीज़ का यूज़, यानी कि हॉट पैक, कोल्ड पैक, टेंस, IFT, इन सब का यूज़ होता है, आप कर सकते हो, ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाए और पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है चंदन का, या माय प्लेजर ऋषिकेश, माय प्लेजर अभिनव। चंदन सिंह, सर आप जो पेशेंट पे ये अप्लाइड करते हैं, कभी उसका वीडियो अपलोड कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए ग्रेड का। बिल्कुल, तो चंदन मैं क्या करूँगा, मैं अपने पेशेंट पे जो करता हूँ, मैं उनकी वीडियोज़ के शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ही मैं शॉर्ट्स अपलोड किया करूँगा अपने वीडियोज़, मतलब पेशेंट पे जो ट्रीटमेंट अप्लाई करता हूँ ना, उनके शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। और दूसरा, प्रॉपर मोबिलाइजेशन मॉडल पे जो करके दिखाऊंगा, वो तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ही, तो उसकी पूरी एक प्रॉपर वीडियो आएगी, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। एंड सर, ट्रैक्शन PIVD में कितना इफेक्टिव होता है? सो मनीष, ट्रैक्शन के ना बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स हैं, मतलब कुछ रिसर्चेस बोलती हैं इफेक्टिव होता है, कुछ रिसर्चेस बोलती हैं नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, तो एविडेंस इज लाइक यू नो ऐसे करके कभी ऊपर कभी नीचे सॉर्ट ऑफ जा रहा है। बट इन जनरल अगर आप टेक्स्ट बुक पर जाते हो, जो आज से 10 साल पुराने टेक्स्ट बुक्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ ट्रैक्शन इफेक्टिव है। अगर मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, कि मैं जो अपने पेशेंट पर अप्लाई करता हूँ, हाँ मैं ट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ, चाहे वो मोटराइज ट्रैक्शन हो, मैकेनिकल ट्रैक्शन हो, या मैनुअल ट्रैक्शन हो। तो ट्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं ना, तो अगर हम बैक पेन के पेशेंट में मैंने मैनुअल ट्रैक्शन में अप्लाई करता हूँ, मैं मोटराइज ट्रैक्शन में अप्लाई करता हूँ, मैकेनिकल भी करता हूँ, तो हेल्पफुल होता है। डिपेंड करता है डोजेज कितनी देनी है। अगर आप डोजेज प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हो, आप उसका ट्रीटमेंट टाइमिंग प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हो, उसका लोड प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यस, आई वुड से इट इज़ इफेक्टिव। माय प्लेजर स्पंदन, या सो अब हम इस सेशन को ओवर कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव मेरे फ़ोन की चार्जिंग 6% एंड आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू इन बिटवीन। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग, एंड बहुत ही जल्दी हम एक इसके PNF और मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ मिलने वाले हैं। और जैसे ही वो प्रैक्टिकल्स हम खत्म करेंगे, साथ साथ हम बीच में स्ट्रेचिंग के सेशंस भी स्टार्ट करें, स्ट्रेचिंग के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। एंड अब मनीष, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी करेंगे, आई लेट यू नो व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन, उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कोरोना से बच के रहें, मास्क पहन के रखें एंड अच्छे से रहें। मेरा कॉन्टैक्ट ऋषिकेश मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरे चैनल पे जितनी वीडियो सब में कॉन्टैक्ट मेरा अवेलेबल है, तो वहाँ से आप मेरा कॉन्टैक्ट में ले सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रैक्टिकल सेशंस, ईगरली, गुड डे, मोस्ट वेलकम, सी यू, टेक केयर, गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।